तो कल हम लोग ना डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स देख रहे थे कि कौन कौन से बैंक्स है। तो उसमें हम लोगों ने आरआरबी देखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बाकी वहाँ बैंक सब भी देखा था, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट पेटीएम, हाँ पेमेंट बैंक देख लिया था क्या? हाँ पेमेंट बैंक देख लिया था। अच्छा पेमेंट बैंक जो है उसके एग्जाम्पल्स आप कुछ दे सकते हैं क्या? कल हम लोगों ने पेमेंट बैंक पढ़ा था क्या होता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो एक तो यही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है। अच्छा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये उसका पार्ट है या अलग है? ये उसका पार्ट है, आई थिंक आई थिंक नहीं है, उसी का पार्ट है, मतलब नहीं ये है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं। अलग है। जो पेमेंट बैंक है ये देखो, पेमेंट बैंक जो है ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। पेमेंट बैंक की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करती है आपकी जो आज की नई नई बैंक है ना, जैसे कि अगर सपोज आप पेटीएम देखते होगे तो पेटीएम है, एयरटेल जो एयरटेल मनी है वो है, बेसिकली जो आपको नॉर्मल ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक जैसी, बट वो बैंक नहीं है, वो पेमेंट बैंक है, सिंपल सा, ठीक है। तो उसके और हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि ये एटीएम इशू कर सकती है लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। तो आप देखते होंगे कि कुछ जो ऐसी कंपनीज है वो एटीएम भी इशू करने लगी। साक्षी हाँ जग गई क्या? अच्छा अच्छा ठीक है वेलकम साक्षी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग सर। ठीक, तो ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये है पेमेंट बैंक के, जैसे कि पेटीएम हो गया, एयरटेल मनी हो गया, जियो हो गया, इन सब लोगों ने जो अपने अपने वॉलेट खोल लिए हैं, वॉलेट जो है ये सब एग्जाम्पल है किसका? पेमेंट बैंक का। अच्छा इसमें ना एक बड़ा ही पॉपुलर केस आया था जो कि चालू तो हुआ था इन्हीं लोग की तरह, पेटीएम वगैरह की ही तरह, लेकिन उसे प्रॉपर बैंक का, फुल फ्लेजेड बैंक का दर्जा दे दिया गया, मतलब तुरंत ही। उसका नाम बता सकते हो कौन सा है? वो बहुत ही फेमस है, लास्ट ईयर बहुत पॉपुलर हुआ था, शार्क टैंक देखा आप लोगों ने? शार्क यस सर, देखा टैंक में था। अश्नीर ग्रोवर को जानते होगे? हाँ अच्छा हम भारत भारत पे वो बार बार कहते नहीं रहते थे अमन गुप्ता और बाकी सब, अरे इनके पास तो बैंक है, इनके पास तो बैंक है। तो पे भारत पे एक्चुअल में फुल्ली फ्लेजेड बैंक है, फुल फ्लेजेड बैंक है वो पेमेंट बैंक नहीं है। जैसे जो पेटीएम है वो पेमेंट बैंक है, जो आपका एयरटेल मनी है वो पेमेंट बैंक है, बट वो जो भारत पे वो फुल्ली फ्लेजेड बैंक है, फुल फ्लेजेड बैंक है वो। उसमें आप सारे के सारे ऑपरेशन कर सकते हो बैंक के, जो कि आप पेमेंट बैंक में नहीं कर सकते। इसमें पेमेंट बैंक में आपके पास लिमिट है कि आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो किसी एक कस्टमर पर, है ना। लेकिन वो जो है उसमें आप जितना मर्जी अनलिमिटेड पैसा जमा करना चाहो कर सकते हो। तो ये आप करंट से रिलेट करते चलोगे ना तो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक ये छपा रहेगा, ठीक है, क्लियर है। सर। ठीक है, तो पेमेंट बैंक हम लोगों ने देख लिया था। अब आते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। देखो पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, जो अपने इधर पोस्ट ऑफिस होते थे ना, इनको काम दे दिया गया कि आप भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करो। अब यहाँ पे सरकार ना येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से चाह रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, तो उसमें इन लोगों ने सोचा कि जो पोस्ट, इंडियन पोस्ट सिस्टम है ना, उसका यूज किया जाए। अच्छा ऐसा क्यों चाहा होगा कि जो पोस्ट सर्विस है उसमें यहाँ पे इसका यूज कर दिया जाए? ऐसा क्यों चाहिए होगी सरकार पोस्ट ऑफिस का यूज करना? सर पोस्ट ऑफिसेस भी तो लोकल एरियाज में स्टेब्लिश थी, तो वहां के लोकल लोगों तक भी इसका रीच हो, ठीक है, टच डेफिनेटली में। डेफिनेटली, लेकिन एक जो मेजर रीजन था वो ये था कि जो पोस्ट ऑफिस है ना वो आज के टाइम पे अप्रासंगिक होते जा रहे थे, है ना। मतलब आप कौन यूज करता है अपना पोस्ट ऑफिस का? आप जाते हो क्या पोस्ट ऑफिस? नहीं जाते हो। आज पोस्ट ऑफिस जाने के, चिट्ठी तो कोई भेजता नहीं है, मनी ऑर्डर कोई भेजता नहीं है। तो ये दो काम तो जो मेजर काम थे वो तो समाप्त ही हो गए। हाँ आज के टाइम पे यदि आप सपोज ऐसा होता है कई बार, जैसे कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, ठीक है, सीए कर रहे हो, उसमें आपको ना अपना फॉर्म जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करना होता है, वो मजबूरी है आपकी। तो कुछ जहां पे मजबूरी है वहां पे आप पोस्ट ऑफिस का यूज कर दो, अदरवाइज आज हम लोग पोस्ट ऑफिस का यूज किस लिए करते हैं? हम तो नहीं करते पोस्ट ऑफिस का यूज। अगर मान लो हम लोग को अगर कोई चीज हमें सेंड भी करनी होती है, जैसे अगर सपोज आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहो, सपोज आपने मुझे कोई बुक गिफ्ट की, ठीक है, आप पोस्ट ऑफिस नहीं जाओगे, आप ब्लू डार्ट जाओगे ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, है ना। तो पोस्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है वो आज के समय में अप्रासंगिक होता जा रहा था, तो उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ही उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पे प्रावधान लाया गया, ठीक है, ये सोचा गया।
तो 2017 में ना ये शुरू किया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस सबको कहा गया देखो आपकी पहुंच बहुत गांव के अंदर अंदर तक है, तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम क्यों नहीं करते। तो देश भर में ना 1,55,000 पोस्ट ऑफिस थे, ठीक है, तो उन लोगों ने मिलकर के एक प्रॉपर आईपीपीवी बना लिया, जो कि कंट्री का लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क कहलाया, ठीक है, कंट्री का लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क बन गया, वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये लोग का काम क्या है, ये लोग सब ऐसे ही पैसे को जमा करते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, बैंकों की तरह फंक्शन करते हैं, बट ये लोग एटीएम कार्ड या जो डेबिट कार्ड है वो इशू नहीं करते, ठीक है, ये लोग डेबिट कार्ड इशू नहीं करते। अच्छा डेबिट कार्ड इशू नहीं करेंगे तो क्या क्रेडिट कार्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये लोग के साथ ना एक प्रॉब्लम ये भी है जो इसका ड्रॉबैक माना जाता है, कि ये तो एटीएम भी इशू नहीं करते तो इसका फायदा क्या है। तो अगर आपको इसे और ज्यादा सही बनाना है तो आप इसके एटीएम का भी इसमें अलाउ करो कि एटीएम भी कर पाए यूज, है ना, तो ये चीज इसका है। और ये भी 1 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है उनकी तरह, पेमेंट बैंक की तरह, ये तो पेमेंट बैंक की ही तरह हो गए, खाली ये है पेमेंट बैंक ऑनलाइन काम करता है और ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये जो है ये ऑफलाइन काम करेगा। बात तो बराबर है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, तो ये बात है आपका। उसके बाद फिर क्या है इसमें ना, आप ये अगर मान लो चाहो कि कोई रिस्क वाले को अगर लोन दे, ठीक है, जैसे बैंक क्या करते हैं, बैंक अलग अलग लोग को लोन देती है, मैंने आपको बताया था लोन देने का तरीका क्या होता था, कि एक होता है जो कि क्रेडिट वर्दी इंसान है उसको लोन दे, ठीक है, उसको लोन मिलने में आसानी होगी, उसको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देना पड़ेगा, लेकिन जिसका कोलेटरल नहीं है देने के लिए उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है बैंक, है कि नहीं, क्योंकि उसको वहां पे डर की बात है कि पता नहीं मेरा पैसा ये वापस करेगा कि नहीं करेगा, तो इनको ये, लेकिन वो करती है क्योंकि अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे देगी तो वो पैसा उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, अधिक कमाई हो पाएगी, मोटी कमाई हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे इन लोग को रिस्की लोन देना, हायर इंटरेस्ट रेट पे देना जो है ये मना है, ठीक है, दे डू नॉट हैव राइट्स टू यूज दीज फंड्स टू एडवांस रिस्की लोन एट हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो इसका, तो बेसिकली ये वो नहीं कर सकती, तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम है, ये इसकी कुछ समस्या है, ठीक है। तो ये चीज है कि अब इसके साथ कुछ चैलेंज जो मैंने आपको बताया, जैसे कि सबसे पहले ना इसमें चैलेंज है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। अब जैसे आप बैंक जाते हो ना, आप एटीएम का यूज कौन कौन करता है, आप लोग करते हो अभी भी एटीएम का यूज कि बंद कर दिया करना। फिर कभी कभी ठीक इंस्टॉलमेंट वगैरह देना हो तो है, ठीक है, एटीएम जब आप यूज करते हो तो एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद आपका उससे पैसा कट जाता है एटीएम यूज करने का, ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया है कभी? वो तो साल में ही कटता है, जो कटता है 3 बार। साल में कटता है 3 बार, हाँ, तो पैसा कटता है, वो क्या है, यस वो आपके सर, चार्जेस हैं डिफरेंट, अगर आप एटीएम यूज करना चाहते हो तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस वगैरह, सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें 80 डिफरेंट तरीके के चार्जेस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये तो इतने सारे चार्जेस वगैरह अगर होंगे तो ये भाई के फायदा क्या हुआ, फिर कौन ही इसमें यूज करना चाहेगा इन लोग का, तो ये चीज है। साथ में क्या है कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत अधिक है इन आईपीपीवी के ऊपर। साथ में क्या है कि अब ये यहाँ पे काम तो कर रही है लेकिन एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की, आप देख लो पोस्ट ऑफिस जब ऐसे ही मरती हुई अभी बची थी, मतलब मरते को, मतलब एक डूबते को तिनके का सहारा दिया था इसे आईपीपीवी को, तो आपको क्या लगता है कि एफिशिएंट होंगे? नहीं होंगे एफिशिएंट, इसमें ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इनके स्टाफ सब ट्रेंड नहीं होंगे, इनके पास मैन पावर प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लोग को ये मजा भी नहीं आएगा इसे लेने में, इसके सर्विस को लेने में, जब और दूसरे दूसरे बैंक समय स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपके पास, आरआरबी है आपके पास, एलएबी है आपके पास, तो आप क्यों जाओगे उसके पास, सोचने वाली बात है। तो ये सब इसके साथ कुछ समस्याएं हैं, देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है, और रिसेंट ही है तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। अच्छा अगला है लोकल एरिया बैंक और लीड बैंक स्कीम, ठीक है, ये दो डिफरेंट है, इसको जरा सा देखते हैं। देखो लोकल एरिया बैंक क्या है, ये सब पुराने पुराने 1996 में ही इसे स्टार्ट कर दिया गया था और ये गवर्नमेंट ने अपने बजट के द्वारा अनाउंस किया था कि हम ये लोकल एरिया बैंक जो है इसे एस्टेब्लिश करेंगे। अब ये लोकल एरिया बैंक क्या है, देखो बेसिकली ना हमने देखा था आरआरबी, ठीक है, क्या देखा था, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, वो किसके द्वारा सेटअप है, याद बताएगा कोई मुझे, आरआरबी को सेटअप कौन किया था? नर्सिंग होम कमेटी। नहीं, वो तो उनके रेकमेंडेशन पे हुआ था, क्या वो सरकारी है कि प्राइवेट है, भक्त प्राइवेट आरआरबी पूछ रहा हूँ, आरआरबी,
अटेंटिव हो, आपकी आंख पे पानी मार गया बारी हो, अभी सो रही हो तुम। भाई। नींद को सभी भगाओ, पानी मार क्या हो आंख पे। उठो 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 उठो, उठ जाओ। यस मैं रुक जाता हूँ कुछ सेकंड, कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ आराम से करो। हाँ तो अभी तक किसी को कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया है? साक्षी कल आपने क्लास तो नहीं ली थी, तो आपने ये पढ़ा था क्या खुद से? साक्षी, साक्षी चली गई क्या फिर से? वैसे सर, ऐसे नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, तो बहन को कह रही थी पढ़ा दे थोड़ा। कोई इशू नहीं है, देखो ये ना कोई टफ चीज नहीं है, आप खुद से एक बार देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। मेन टेक्निकल पार्ट जो है, सिर्फ एक टॉपिक था कि बैंक हमें लोन कैसे देती है, किस बिहाफ पे देती है, तो वो पार्ट समझ लेना, बाकी तो आप खुद से रीडिंग करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो केवल एक वो पार्ट है जो कहना, या तो मतलब वीडियो देख लेना, नहीं तो बहन को कहना वो समझा दे, तो उस तरीके से। लेकिन एक पार्ट वो डेफिनेटली पढ़ लेना उसे, कि बैंक हमें लोन किस बिहाफ पे देती है, वो टेक्निकल पार्ट है। अदरवाइज तो बाकी सब रीडिंग करोगे, वन रीडिंग सेल्फ रीडिंग में काम हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तान्या आ गई क्या? यस सर, ये गई ही नहीं लगता नहीं गई सर, मैं बैठी थी। जल्दी है। ठीक से है, ठीक है। तो लोकल एरिया पर दिल्ली का आरआरबी जो पानी है ये बहुत सबका, खाली है। क्या बोला विद्यानंद? नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली के पानी बहुत ठंडी है। अरे हाँ सही यस बात, सर, बहुत ठंडा पानी है। वो तो बात सच है, दिल्ली में तो 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और पता है जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो दिल्ली का सबसे ठंडा एरिया है, न्यूज में भी बहुत आया था इस बीच में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। गुड़गांव, गुड़गांव के आसपास आया नगर का नाम सुना होगा, सुना नहीं है ना? सुना। इस बार अभी सारे न्यूज चैनल वालों ने छापा था, आज तक वगैरह पे आ गया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने छापा, द हिंदू ने छापा कि द मोस्ट कोल्डेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली इज आया नगर, 0.6 डिग्री टेम्परेचर गया था। हाँ तो देखो अब क्या है, मैं बता रहा था आपको कि आरआरबी को गवर्नमेंट ने सेटअप किया, बट प्राइवेट बैंक ने ना अपना एक सोचा कि भाई हम भी सेटअप करते हैं कुछ, क्योंकि उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन तो थी कि आपको अंदर तक जाकर के करना है, तो उन लोगों ने सेटअप किया लोकल एरिया बैंक। ठीक है, ये प्राइवेट के द्वारा सेटअप किया गया है। ठीक है, तो इसको 1996 में सेटअप किया गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि चलो हमें इसे करना चाहिए, और प्राइवेट लोग जो है इसमें वो करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई वो आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही आते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो वो अप्लाई होता है इनके ऊपर, साथ ही ना ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में वो इस्टेब्लिश होगी। कंपनीज एक्ट, आपने कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में कभी सुना है? कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में कभी सुना है क्या? मतलब पता होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुना है क्या कभी? नहीं सर। नहीं। साक्षी सुना है आपने? तो सर, देखो सुना है, देखो कंपनीज एक्ट जो है, जितनी भी कंपनी प्राइवेट कंपनी सबका रजिस्ट्रेशन होता है, पहले सबका सब कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही हुआ करता था। ठीक है, जितने मतलब एक एक्ट के तहत होता है सबका रजिस्ट्रेशन, तो जितनी भी कंपनीज होती थी उनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हुआ करता था। क्लियर है? तो यस सर। ये है क्या कंपनी है क्या है? ये? बेसिकली एक एक्ट है, जैसे इतने सारे बिल पास होते हैं सरकार में। ठीक है, सरकार कई सारे बिल पास करती है, बिल पास होने के बाद क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो एक एक्ट है ये कंपनीज एक्ट, जिसमें कि कंपनी के बारे में बता रखा है, कंपनी के बारे में रूल रेगुलेशन की कैसे क्या होने चाहिए, कौन कौन से रूल सब फॉलो करने होंगे, उसका जितनी उसकी इंफॉर्मेशन है सबका सब कंपनीज एक्ट में है। तो जितनी भी कंपनी, नई कंपनी रजिस्टर होगी वो सबका सब इसके तहत होगी रजिस्टर्ड, मतलब इस एक्ट के ही अंदर वो रजिस्टर होगी, कंपनीज एक्ट के अंदर में। तो
अगर मान लो कोई कंपनी है, अगर वो रजिस्टर होना चाहती है तो उसे इस एक्ट को कॉम्प्लाई करना होगा, ऐसा सीन है, इस एक्ट को मानना होगा, वो बात है। और यही एक्ट प्रावधान देता है कंपनी को रजिस्ट्रेशन का, अगर ये एक्ट ना हो तो फिर आप कंपनी को रजिस्टर नहीं कर पाओगे, बेसिकली पावर देता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन की है। ठीक है, यस सर। अच्छा तान्या, आपको तो बहुत जल्दी क्लियर हो गया था। मैंने इसमें एक शब्द का प्रयोग किया, मुझे बताओ मैंने क्यों किया, कि कंपनी सब इस 1956 के तहत रजिस्टर हुआ करती थी। मैंने पास्ट टेंस का यूज यहाँ पे क्यों किया? आपको तो क्लियर हो गया था, तो मैं पास्ट टेंस का यूज क्यों किया? क्या मैंने गलत यूज किया था, या फिर आपने मुझे इसलिए इग्नोर कर दिया कि अरे गलती से मुंह से निकल रहा होगा? बोलो। मैं क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ सर, रिवाइव किया गया होगा ये वाला एक्ट इसलिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल साक्षी ने बिल्कुल सही बोला। जो कंपनीज एक्ट 2013 आप सुने होंगे, अगर आपने 1956 नहीं सुना तो 2013 सुने होंगे। 2013 में इसे रिवाइज करके ना नया लेकर के आया गया था कंपनीज एक्ट। तो अब जितनी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो इस एक्ट के तहत होता है, 2013 के तहत, तो इसे रिवाइज किया गया था। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। ठीक है, आखिर दीदी दीदी ही होती है, क्यों तान्या? यस सर। ठीक है। ओके, तो अब देखो, जैसे आरआरबी था, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो गांव है, गांव तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना, उसमें खुद का अगर लॉस भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मतलब बेसिकली एक सपोर्ट मोटिव से, आपको एक चैरिटी के मोटिव से बेसिकली आरआरबी स्टेब्लिश की गई थी। किंतु अब अगर ये लोकल एरिया बैंक है जो प्राइवेट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है, तो क्या इसका मेन प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा? क्या जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। तो अर्निंग प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोकल एरिया बैंक का। तो लोकल एरिया बैंक जैसे ही आए ना दिमाग में, तो आपके दिमाग में एकदम घंटी बज जानी चाहिए कि लोकल काम जो है ना, ये किसका है? ये है प्राइवेट का। ठीक है, प्राइवेट काम, प्राइवेट जो होता है कंपनी, वो सब लोकल काम भी करने लग गई है, ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा ये भी चैरिटी पर्पज के लिए होगा, गवर्नमेंट के लिए होगा, नहीं, वो सब नहीं है। तो जैसे ये प्राइवेट होगा, तो वैसे ये अर्निंग प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, अच्छा, ये नॉन शेड्यूल बैंक ही मानी जाती है। ठीक है, और CRR, SLR, PSL, ये सब का सब इसके ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर, क्लियर, यस अच्छा क्लियर है तो मुझे बताओ PSL क्या होता है? सर। मैं इतने बार बोल चुका हूँ, विद्यानंद जवाब देगा इसका, PSL क्या होता है? चलो ठीक है, बार बार कहूंगा, रिवाइज खूब किया करो। PSL बहुत बार यूज किया है, कल की क्लास में तो पता नहीं 500 बार PSL का यूज किया होगा। ठीक है तान्या, बताओ PSL क्या है? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर, सॉरी मिस निकल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपको गया। प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। कितना परसेंट लिमिट था, कितना परसेंट तक करना होगा आपको इन्वेस्ट? इससे अलग अलग स्लैब्स ड्यूल होते हैं, कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना था? 40%। 40%, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जो शेड्यूल बैंक है जैसे कि PNB, SBI, ये सब के लिए आपको 40% जो पैसा आपका है, वो सब प्रायोरिटी सेक्टर में आपको देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से थे। ठीक है विद्यानंद, याद आया प्रायोरिटी सेक्टर? सर याद तो पहले से, सबसे ज्यादा यही ले रहे थे, हमको तो याद है, इसका फुल फॉर्म पता है, अभी लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इसे RBI रेगुलेट करता है। अच्छा यहाँ पे क्यों लिखा गया RBI रेगुलेट करता है? क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कई सारे बैंक ऐसे हैं ना जिसे कि RBI रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोकल एरिया बैंक है, इसे RBI रेगुलेट कर दिया। अच्छा मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? ये आएगी आपको NBFCs में। ठीक है, अभी हम आगे NBFCs देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, तो उनमें देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि RBI गवर्न नहीं करती, उसे अलग अलग NBFC को अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूशंस गवर्न कर लिए। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो LAB है, लैब है, ठीक है, लैब है, लोकल एरिया बैंक है, इसे RBI गवर्न करती है। इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसे कोई और गवर्न करता होगा, नहीं, इसे RBI ही गवर्न करती है। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट।
लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम जो है वो क्या है? देखो लीड बैंक स्कीम जो है ये आपका 1969 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका सोच ये था कि सर्विस एरिया अप्रोच के बेसिस पे ये काम करेगा। सर्विस एरिया यानी कि किसी एक सर्विस में, कोई एक सर्विस में ये एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए है क्या, लीड बैंक स्कीम। इसमें क्या किया गया, एक एक इंडिविजुअल बैंक को ना लीड रोल दिया गया अलग अलग जगह पे, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, और सबको एक एक एरिया असाइन कर दिया गया। वन बैंक असाइंड फॉर वन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक बैंक को एक एरिया जो है ये असाइन कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर कोई एक बैंक है छोटा सी, सपोज कि बंधन बैंक, नाम सुना है बंधन बैंक का? यस सर, ठीक है, यस सर। वाह मुझे ही नहीं पता था। ठीक है, बंधन बैंक क्या है कोई बताओगे? नॉर्मल बैंक ही है, कोई खास तो इसमें फर्क नहीं है ना। तो ये बंधन बैंक है, सपोज ये अगर सपोज कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में परफेक्ट है, सपोज ये भागलपुर है, भागलपुर में ये बहुत अच्छा काम करती है, तो इसे लीड बैंक स्कीम के तहत डाल दिया गया कि आप भागलपुर को आगे सुधारो, ठीक है। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा फोकस इसका भागलपुर में रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि ऐसा ये मत समझ लेना ये एग्जाम्पल है, नहीं आप कोट कर दोगे, खाली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, लीड बैंक स्कीम, जो कि सर्विस एरिया अप्रोच के बेसिस पर है, ठीक है। कि जिस सर्विस में वो अच्छी होगी, जिस एरिया में वो अच्छी होगी, सर्विस एरिया में, उसे क्या कहा जाएगा, लीड बैंक स्कीम। वहां पे एक लीड बैंक को पहुंचा दिया जाएगा। देखो आप ही का काम है इस पूरे एरिया को डेवलप करने का, इसमें आप लोन दोगे, आप इसी के माई बाप आप ही हो, ठीक है। तो ये काम है बेसिकली। इसे ना गडगिल कमेटी ने, गडगिल स्टडी ग्रुप ने इसे कहा था, रेकमेंड किया था कि लीड बैंक स्कीम होनी चाहिए, गडगिल कमेटी। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से देख लिया था, नचकेत मोर कमेटी देख लिया, नरसिम्हम कमेटी देख लिया, और कौन सा देखा था, जनक राज और पीजे हाँ नायर काउंटी। जनकराज और पीजे नायक। तो अब यह है क्या, गडगिल कमेटी, ठीक है। गडगिल कमेटी आपको ना लास्ट में मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा पूरा, सारे के सारे जितने भी कमेटी हैं, तो आप टेंशन मत लो, एक जगह आपके साथ आ जाएगा। ये तो अभी ध्यान रखो कि इसे गडगिल कमेटी ने बोला था, ठीक है। गडगिल, गडगिल तो गड्ढे में गिर, ऐसा कहा था प्राइवेट बैंक को, नहीं सॉरी, ऐसा कहा था कि देखो गड्ढे में गिर करके ही काम करना है तुम्हें, इस गड्ढे को भरने का काम तुम्हारा है, ठीक है। ऐसे कर लो, गडगिल, इस गीले गड्ढे को भरने का काम किसका है, लीड बैंक स्कीम का, सर्विस एरिया। अब क्यों का गड्ढे को भरने का काम, सिंपल था कि जब आप एक एरिया के अगर आप वो बना दिए जाओगे, आपको लीड दे दिया जाएगा, तो एरिया कैसा है, एरिया कोई बहुत अच्छा एरिया तो है नहीं, दिल्ली जैसा एरिया तो है नहीं, गांव घर जैसा है, तो ऐसे याद करने की कोशिश करना, देखते हैं जिसमें कि इस गड्ढे को भरने का लीडर आपको बनाया जाता है, ठीक है। मैं करता हूँ इस चीज के लिए अपॉइंट किसको, तान्या को, तान्या ही प्रेसिडेंट है, तान्या को ही हम लीडर बनाएंगे इस चीज का, गड्ढा भरने का काम करेगी, गीला गड्ढे को, ठीक है तान्या। यस सर, तो गडगिल क्या है, लीड बैंक स्कीम। ऑलराइट, ये देखो ना एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, किसके तहत वो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो लीड बैंक स्कीम, सिंपल था, ठीक है। अच्छा एमजी नरेगा जो तीसरा ऑप्शन है, ये तो आपको पता होगा एमजी नरेगा क्या है। यस सर। विद्यानंद आइडिया है इस चीज का, थोड़ा बहुत कभी सुना हो? सर नरेगा तो ये जानते हैं जो गाँव गाँव में काम होती है। वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। तो नरेगा जो है ना, नरेगा के आगे महात्मा गांधी लगा हुआ है, तो महात्मा गांधी नरेगा, वही चीज है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, तो इसमें लीड बैंक स्कीम होगा, सिंपल सा, एक एक लाइन का था आपको ध्यान रखना, 2019 में पूछा गया था। इसका क्यों लाया गया, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, वही चीज सब में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट सब तक पहुंच जाए, ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल जो हो उन तक सारी चीजें पहुंचे, बेसिकली यही सारा काम तो बाकी सबका था ना, वो उसी का है, ठीक है। अच्छा जो हम लोगों ने ना उषा थोराट कमेटी ऊपर देखा था, उषा थोराट कमेटी जिसे हम लोगों ने कहा था क्या देखना है, छोड़ो उसे, पता नहीं क्या चीज है, तो देखो उषा थोराट कमेटी भी एक सेटअप की गई थी, अब बार बार नाम आ रहा है तो थोड़ा देख ही लेते हैं कि ये जो है ना आपका लीड बैंक स्कीम, इसको बंद करने की बात चल रही थी कि बंद कर दिया जाए, क्या ही काम करेंगे। तो उसे उषा थोराट कमेटी ने कहा था नहीं, आपको इसे रखना चाहिए, और इसको आपको अगर पैसा, इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसे रिवाइटलाइज करना चाहिए, ठीक है, दोबारा से आपको इसे पैसा वैसा दे करके इसे जीवित करना चाहिए। तो ये उषा थोराट ने कहा था, ठीक है, याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है कॉपरेटिव बैंक। अच्छा कॉपरेटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल शाब्दिक अर्थ कॉपरेटिव का क्या होता है, कॉपरेटिव, जैसे ऐसे आमचल के भाषा में कॉपरेट सहयोगी शब्द सही होगी, सहयोगी एग्जैक्टली सही होगी।
बेसिकली जब आप, मैं सपोज आज हम ना ये जितने भी चारों लोग हैं, चारों लोग मिल करके सोचते हैं कि अपना कोई एक काम शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक आपने सुना होगा ना अमूल, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, अमूल कोई कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कि देश भर के फार्मर्स जो है वो सब एक साथ आए हुए हैं और बेसिकली वो अमूल को चला रहे हैं, ठीक है। चल रहा है प्राइवेट की भांति, लेकिन उसमें सारे के सारे लोग मिल करके उन्हीं का बेसिकली वो कंपनी है, ये मान के चलो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर सपोज आज हम लोग चारों मिल करके कोई एक बैंक की स्थापना करते हैं, कहते हैं आज हम लोग चारों मिलकर के एक बैंक बनाएंगे जिसमें कि हम लोग हमेशा कुछ कुछ पैसे डालेंगे और किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें हम उसको लोन देंगे, ठीक है। सपोज हम बनाते हैं, तो क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाएगा? डेफिनेटली, अनलेस एंटिल हम लोग इसे रजिस्टर करवा ले, नहीं रजिस्टर करवाएंगे तो अनऑफिशियल होगा, है ना। लेकिन माना जाएगा कोऑपरेटिव ही, क्योंकि हम सबके सब सहयोग से कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अगर ऐसा होगा, अगर हम चारों कर लिए, अपना बैंक खुद से खोल लिया हम लोगों ने, तो आपको यदि लोन देना है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? अपने ही चारों लोगों में दोगे या किसी थर्ड पर्सन को दोगे प्रायोरिटी लोन देने के लिए? फिर पहले तो खुद का मतलब करेंगे, एग्जैक्टली, दूसरों की जय अपने से ही पहले लोगों खुद को। को जय करे, है ना। तो ये हम सबसे पहले खुद के लिए करेंगे। तो सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है कि हम जो है कोऑपरेटिव है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? खुद को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? अगर सपोज हम लोग का ये है, हम लोगों ने बनाया है इसे, तो क्या ये हमारा ही माना जाएगा? क्या ये हमें ही बिलोंग करेगा? डेफिनेटली, इसका अगर कुछ बेनिफिट वगैरह होगा तो क्या हमें मिलना चाहिए? डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो ये जो है ये अपने को बिलोंग करती है, अपने मेंबर को बिलोंग करती है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो सिंपल सा यही चीज है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसका जो मेन काम है ना वो क्या है? प्राइमरी फाइनेंशियरीज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जनरली क्या होता है ना कि गांव घर के लोग करते हैं ये काम, शहरी लोग को आपने कभी नहीं देखा होगा ये सब चीज करते हुए, मिल करके ग्रुपिंग किया ये वो सब ऐसे काम नहीं करते। वो सब सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है ना, तो उनको कोई टेंशन तो है नहीं, वो बैंक वैंक वैसे ही चिढ़े रहते हैं। तो इस वजह से ये सब काम जनरली कौन करता है? गरीब लोग। गरीब लोग कहाँ पे काम करते हैं जनरली? एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, या वो लोग करते हैं जो वो मान लो कि गोलगप्पा बेच रहे हैं या फिर और आपके मोमोज बेच रहे हैं। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स होते हैं वो सब ये काम करते हैं, इस ग्रुप में जुड़ते हैं। तो इसमें हम चारों जुड़ सकते हैं फिलहाल के टाइम पे, है कि नहीं है? हम सब जुड़ सकते हैं। तो ये चीज है, जुड़ तो कोई भी सकता है। वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ आपको खाली, तो इसमें क्या है ना, म्यूचुअल असिस्टेंस के बेसिस पे काम करता है, समझ आ रहा है मैं? कोई सुनिए, और जनरली इसका 67% जो गाँव में पेनिट्रेशन हो चुका है, गाँव के 67% गाँव में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पहुंच चुकी है, कोऑपरेटिव बैंक पहुंच चुकी है, ठीक है। और गाँव में जितना पैसा दिया जाता है ना उसका 46% तो यही ये लोग दे देते हैं। एक रटने की आवश्यकता नहीं है, 46% रटने की आवश्यकता नहीं है, 67% रटने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ऐसे करो कि देश भर में जितने गाँव, उसके 2/3 के लगभग जो है उन गाँव में इसकी प्रेजेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, 2/3 के गाँव के लगभग में, और लगभग लगभग 45 से 50% के अराउंड जो है गाँव में जितना भी लोन मिलता है, जितना भी क्रेडिट आता है वो इसके द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब क्या कि चाहे गवर्नमेंट कितना आरआरबी को सेटअप कर ले, कितना वो नाबार्ड को सेटअप कर ले, कितना प्राइवेट बैंक जो है वो सब के सब लीड बैंक स्कीम लेकर के आ जाए, लीड बैंक था क्या था वो, बट उन सबका शेयर जो है वो उन सबके ऊपर इसका शेयर भारी पड़ता है। किसका भारी पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, क्यों भारी पड़ता है ये उनपे, कभी आप गेस किए हो? गेस करके देखो, तो इसका 46% शेयर और बाकी जितने बैंक हैं वो सबका सब एक साथ मिला करके। तो ऐसा क्यों है जबकि सरकार ने उन्हें स्टेब्लिश किया है? और ये तो सरकार ने किया भी नहीं है, चलो प्राइवेट आदमी आई है मोटिव के, प्राइवेट मोटिव के चक्कर में, बट ये तो नॉर्मली है, फिर भी इसका वेटेज इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी वजह से। सर हाँ के बोलिए। पास बना के ग्रुप बना के मतलब पैसे ही जमा करते हैं तो से होता ठीक है, ठीक है। हाँ वो हर एक मंथ मतलब जमा करते हैं कि सारे मतलब जाके फिर और उसे निकालते में बहुत कम जरूरत कम पड़ती है तो मतलब निकालते तो कम होंगे लेकिन डिपॉजिट ज्यादा हो रहा। विद्यानंद, आप नॉर्मल कमेटी की बात कर रहे हो क्या जो यहाँ पे चलता है आसपास में?
जी सर, मतलब हाँ उसी से रिलेट कर रहा हूँ और क्या करूँ, मतलब ऐसा ही है ये। लेकिन इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हर महीने पैसा जमा करोगे, या ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको जब जरूरत पड़ेगी तो बिड करेगा। मान लो कि आपको अभी जरूरत है, सपोज विद्यानंद को जरूरत है, ठीक है, तो क्या कहेगा विद्यानंद कि मुझे लोन चाहिए। तो इसमें ऐसा होता है ना जो आप कह रहे हो कि अगर आपको सपोज 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कमेटी आपको 1 लाख रुपए का लोन देगी, लेकिन फिर बिड लगता है उसके ऊपर। कोई कहता है मैं 1 लाख उसके ऊपर 1 लाख 10 हजार दूंगा, कोई कहता है 1 लाख 20 हजार दूंगा वापिस करते टाइम में, मतलब कि इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट पे लूंगा। तो विद्यानंद को चाहिए, हमें पता चल गया विद्यानंद को मजबूरी है, तो मैं और इधर साक्षी और इधर चान्ना, हम तीनों ने मिलकर के कार्टल बना लिया एक, और ये सोचा कि भाई चलो ठीक है, विद्यानंद को 1 लाख रुपए जो था हम इसे 1.5 लाख रुपए निकलवाते हैं। तो सब लोग हम कहने लगे नहीं नहीं मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगी, मैं इतना दूंगी, ठीक है। उस चक्कर में क्या हुआ, आपका प्राइस बढ़ गया काफी, ऐसा ही होता है। ये तो नहीं पता है मुझे ऐसा होता है। नहीं ऐसा ही होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर आपने कोई सुना होगा किसी का तो उससे पूछना, कि उसको बिड ऐसे ही लोग बिड करते हैं और लोग सब उसे ज्यादा करवा देते हैं उसके पैसे को, मतलब ज्यादा से ज्यादा मोटा पैसा कमाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें ना तो आपको कंपल्शन है हर महीने पैसा जमा करने की, ना ही कोई फंड की तरह काम करता है, वो एक फंड की तरह काम करता है, ठीक है, और ये फंड की तरह काम नहीं करता, बहुत डिफरेंस है इसमें। हालांकि जो रीजन आपने बताया ना, आधा रीजन बिल्कुल सही है कि देखो ये ना सामान्य आदमियों के द्वारा मिलकर के चलाया जाता है, तो लोग की सहायता से जो चलेगा ना वो ज्यादा फ्लरिश करेगा ही करेगा, डेफिनेटली लोग को उस पर अधिक विश्वास होगा ही होगा, क्योंकि वो खुद का उसमें पैसा लगा हुआ है, खुद का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर कोई चीज आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है तो लोग को ज्यादा भरोसा होता है। जैसा आप देख लो, आज आपको मुझ पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है? यस सर, थोड़ा हो गया, बाकी थोड़ा नहीं सर, बहुत। अरे 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 बहुत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बड़ी बड़ी कंपनीज भी है मार्केट में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है आपको पता है, स्टिल मुझ पर भरोसा होने लग गया है। क्यों होने लग गया है तान्या, बताओ क्यों होने लग गया है? ये सर रिलायबल पर रिलायबल है अपना, इसलिए रिलायबल, वही तो मैं कह रहा हूँ, रिलायबल क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला आ गया है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके पास इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े टीचर हैं, स्टिल आपको मैं रिलायबल क्यों लग रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि है क्योंकि साक्षी, देखो पता है ऐसे प्रश्न ना इस टाइप के घुमाने वाले आपको सोचने होंगे अलग अलग टाइप के, ताकि आप जब इंटरव्यू में जाओ ना, कभी भी किसी भी कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, वहां पे कई बार घुमाने वाले प्रश्न पूछ देते हैं जिसपे कि आप समझ नहीं पाते मैं क्या जवाब दूं, तो उसका अगर आपके पास स्ट्रांग रिप्लाई है ना तो फिर आप उसे बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। चलो विद्यानंद आप बताओ कि आपको मुझ पर ट्रस्ट क्यों हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के होने के बावजूद भी उन पे ट्रस्ट होना चाहिए था, उनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा टीचर, बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर। मेरी आवाज सुन के आपको लगता होगा कि शायद मैं एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं हूँ, और ऑब्वियसली आपसे ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, मैं आप ही के जैसा हूँ लगभग, स्टिल आपको मुझ पर ट्रस्ट हुआ क्यों, क्या रीजन हो सकता है? सर, सबसे पहले तो जैसे वो बड़े बड़े जो जो भी बताए एजुकेशन जो एकेडमी वगैरह हैं, तो वो सब है कि वो जनरली सारे की बात करते हैं। अब सबके एक जैसा सोच और दिमाग ऐसा तो कुछ होता नहीं, बट आप हम कि पर्सनली भी एक दूसरे को जानते हैं, मतलब जानने लगे कि पर्सनली क्वेश्चन करना, इसमें जितना हम लोग डाउट ऐसे पूछ पाते हैं वहां पे नहीं पूछ पाएंगे। देखो यही बात है, मैंने क्या कहा, आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती है, इस वजह से जहां पे आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहां पे आपका ना स्वाभाविक है कि वहां पे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपको वहां पे विश्वास अधिक हो जाएगा। सिंपल सा जो मैं अभी आपको कोऑपरेटिव बैंक बता रहा था वो यही चीज है कि वहां पे लोग का विश्वास क्यों अधिक है, क्योंकि लोग वहां पे पर्सनली इन्वॉल्व है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में हो लगातार, हम यहाँ पे आपकी पर्सनल क्वेरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पर्सनल क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, मैं नाम लेता हूँ,
मैं जितने बार साक्षी का नाम लेता हूँ, जितने बार तान्या का नाम लेता हूँ, वो उनके कानों में गूंजती है वो बात, और लगता है उन्हें सबकॉन्शियसली कि देखो मुझे कोई उतना भाव दे रहा है, सबकॉन्शियसली जा रहा होता है। विद्यानंद को लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, कोई मुझे ध्यान रखने वाला है मेरा, अगर मैं पढ़ाई में कोई डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। आपको ऐसा फील होता है, क्यों? क्योंकि आपका नाम मैं बार बार लेता हूँ और आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर पा रहे हो, मेरे साथ बातचीत कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट बना, अदरवाइज नहीं बनता। आप चूंकि यहाँ पे पर्सनली इन्वॉल्व हो, यही रीजन है। सेम वही बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स के केसेस में कि आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो, आपका पैसा लगा होता है, आपका टाइम लगा होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग 3-3 घंटे डेली डेली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कोई अगर 3 घंटे डेली टाइम स्पेंड करेगा, सैटरडे को भी करेगा, संडे को भी करेगा, मकर संक्रांति के दिन भी करेगा, 25 दिसंबर के दिन भी करेगा, तो क्यों नहीं विश्वास होगा? है कि नहीं है? क्यों नहीं, वो एक अटैचमेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ? अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ इनका रीजन क्या है 46% होने का अपना, तो आप बता पाओगे? सर, अब तो एग्जाम्पल आ गया, 100% होता आपकी। ठीक है साक्षी, क्लियर हुआ? साक्षी यस सर। हाँ, तान्या, तान्या शांत हो गई, तान्या कोई जवाब नहीं दे रही। तो समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये फीचर क्या है कॉपरेटिव बैंक्स के? सिंपल वही, प्रॉफिट एलोकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, इसमें एक चीज है कॉपरेटिव बैंक में। अब सपोज देखो, मैंने क्या कहा कि हम लोग सब ना मिल करके, चारों लोग मिल करके बनाते हैं, ठीक है, हम चारों मिल करके एक बैंक बनाते हैं। तो आप सपोज कि हम लोग को ना कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन यदि हम लोग को मिल करके कोई लेना है कि हम आगे एक्सपेंड करें कि क्या करें, कोई भी सपोज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो क्या आप सबके सब अकेले मेरी बात मान लोगे, या सबके सब ये कहोगे कि भाई नहीं, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए? अगर हम सब ये मिल सर करके सारे करें, मिलके, सारे सारे मिल करके, एग्जैक्टली मिलके होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप ना सबका वेटेज दोगे। इसका मतलब कि आप वोटिंग सिस्टम एक हिसाब से कर रहे हो कि 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, कि आप मुझे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, है ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम मिल करके सब काम करें, मिलकर जहां पे करेंगे काम, वहां पे सबको बराबर बराबर यहाँ पे वोट दिया जाता है। तो 1 पर्सन 1 वोट का यहाँ पे सिस्टम चलता है। अगर कोई भी आपको इम्पोर्टेंट निर्णय लेना हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको सबको एक एक वोट दे दिया जाता है, और वो आप फिर वोट करो, वोट के आधार पर मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। सिंपल एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्या ऐसा होता है? नहीं, वहां पे इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें ना जितना जिसका वो रहता है शेयर, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आज सिंपल सी बात देखो, अगर सपोज की कोई बड़ी कंपनी है, उसमें शेयर अगर सपोज की अंबानी का है, अगर उसका 50% शेयर है, तो क्या वो चाहेगा कि जो जिनके पास 1% शेयर है, 2% शेयर है, क्या वहां पे अंबानी के बगल में बैठ करके अंबानी की बात को काटे? नहीं, नो हिम्मत सर। नहीं होगी, और ना ही वो चाहेंगे, ना ही कोई करेगा। तो वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉपरेटिव बैंक में ऐसा होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये इनके पास फंड आता कहाँ से है कॉपरेटिव बैंक के पास, या ये भी किसकी बात चल रही है अभी? हाँ, कॉपरेटिव बैंक की। देखो, ओनरशिप फंड, जो अगर मान लो मेरा खुद का अगर है, तो मैं अपना पैसा जो लगाऊंगा वहां से आएगा, ठीक है। कुछ जो है हम डिवेंचर इशू करते हैं, वही चीज की बॉन्ड इशू करते हैं, तो ये लोग भी बॉन्ड इशू करते हैं। कॉपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड है, तो इन्हें इतना हलवा मत समझो कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इन लोग रजिस्टर्ड सोसाइटी है प्रॉपर, और मिल करके ये लोग काम करते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब प्रॉपर हायरिंग होती है, एम्प्लॉयज रहते हैं, सब कोई रहता है, तो काफी बड़े स्तर पे अब जा चुका है, ठीक है। वो चीजें कभी कई बार इन्हें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है पैसा, आरबीआई भी देती है, नाबार्ड भी देती है, तो ये सब चीज है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फिर इसमें एक बात हम करते हैं, ये 3 टाइप का होता है कॉपरेटिव बैंक। स्टेट कॉपरेटिव बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक होता है, और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है। बेसिकली स्टेट जो संभाले वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को संभाले वो डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप नॉर्मली देख लेना, पढ़ने लायक इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एडवांटेज वगैरह हम लोगों ने, अच्छा एडवांटेज सोच लो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है एडवांटेज? अगर आप पैसा जमा करोगे, बैंक आपको देती है 4% इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन अगर अपना ही आपका बैंक होगा, और तब आप किसी को लोन पे चढ़ाओगे पैसा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, आप भी यहाँ पे जमा कर रहे हो और किसी को लोन में चढ़ा रहे हो, है ना। तो लोन में आप दोगे, तो वहां से आपको पैसा मिलेगा। जब आपको पैसा मिलेगा, तो क्या आप खुद को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करोगे? डेफिनेटली करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, बताओ?
मैं क्या कहा आपको समझा आप लोग को? तो एक और बार रिपीट कर दीजिए। सपोज हम चारों लोग हैं, हम चारों लोग पैसा अपना अपना जमा कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही का बैंक है अपना, जमा कर रहे हैं। यहाँ पे सामने कोई आया आदमी, कहा जो कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लोन चाहिए। हम कहेंगे हाँ ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे। हम सपोज उससे 6% जो है वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने 6% उससे चार्ज किया। तो क्या जो हमारे पास 6% आया, अभी बैंक अगर नॉर्मल बैंक होता तो वो हमें बैंक पे 3 साढ़े 3 4% रेट हमें इंटरेस्ट देता। लेकिन क्या चूंकि ये हमारा खुद का बैंक है तो क्या हम 5% नहीं ले लेंगे खुद के लिए इंटरेस्टेड, 5.5% नहीं ले लेंगे हम? यस सर, वो तो अपनी मर्जी पे। मर्जी क्या अपनी? हाँ कुछ पैसा हमें छोड़ना पड़ेगा ताकि वो चल पाए, सरवाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए। लेकिन अदरवाइज क्या है कि हम उस पर हायर इंटरेस्ट रेट लेंगे डिपॉजिट करने पे, ठीक है। तो ये इसका एक खास फायदा है। उसके बाद जो नॉर्मल, अब एक और फायदा सिंपल सा, अगर मान लो कोई नॉर्मली अगर उधार देता है, ठीक है, मनी लेंडर अगर कोई उधार देता है तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेता है, सूद के हिसाब से चलता है कि भाई 2% सूद हर 100 रुपए पे, 2 रुपया महीने के हिसाब से। यानी कि आपने सुना होगा कि साल का 24% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है कि नहीं है? आपने सुना होगा कि सूदखोर गाँव वगैरह में बहुत ज्यादा चलता है, दिल्ली में भी इन सब चलता है कि लोग सूद पे लोन चढ़ाते हैं। आप लोग भी चढ़ाए हो कभी? नो सर, नहीं सर, ये अच्छा नहीं मानते हम लोग तो। अच्छा नहीं मानते हम लोग? क्यों अच्छा नहीं मानती है बताओ, क्यों अच्छा नहीं मानते है? बोलते हैं सूद के खाया हुआ पछता नहीं निकल अच्छा जाता। अच्छा तो जो बैंक में आपको सूद मिलता है 4%, ये पच जाएगा? वो भी तो सूद ही है। नहीं सर, क्योंकि क्योंकि वो मतलब वो तो कहीं से कमा के दे रही है, वो तो कहीं से कमा के दे रही है ना। बट गांव में वगैरह में रहता है कि जनरली किसान ही लोग रहते हैं कि मांगने आए, कि ऐसे ऐसे ज्यादातर ये रहता है कि अपने खेत को इजारा रख देते हैं। लेकिन फिर भी कोई किसी को रहता है कि नहीं, खेत भी नहीं इजारा रखे, कुछ पैसे लेने हैं शादी विवाह में। तो ऐसा नहीं, पापा ये सब देते हैं तो उसका सूद नहीं लेते हैं, जितना देते हैं उतना ही लेते हैं। ओके बोलता ओके है देंगे, लेकिन नहीं, मना कर भूल, नहीं सूद नहीं लेना। देखो ये अच्छा विचार है डेफिनेटली, बट ये जो है ना सूद लेना डेफिनेटली, ये चीज जो आपने कहा कि पछता नहीं, वो बात डेफिनेटली है। और शादी वगैरह है या कोई और ऐसी बात है तो डेफिनेटली हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन सपोज अगर कोई अपने बिजनेस के पर्पज से ले रहा है, खेती वेती के लिए ले रहा है, पहले तो बिजनेस खेती ही हुआ करती थी, या कोई अपने स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ले रहा है, तो वहां पर अगर आप सूद नहीं लोगे ना, और वहां पर आप नॉर्मली अगर पैसा दोगे, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज होगी जो हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग उसको पैसा नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे? क्योंकि वहां पर हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, सामने वाले का फायदा हो रहा होगा, बल्कि इन्फ्लेशन हमारा पैसा उल्टा खा रहा होगा। अगर आपने उसे 1 लाख रुपया किसी को लोन दिया, मतलब कि किसी को ऐसे ही दे दिया पैसा, और वो आपको 1 ही लाख रुपया लौटा है 5 साल बाद, तो आपका तो नुकसान है ना फिर उसमें। मान लो अगर कोई नॉर्मल अगर किसी शादी के लिए कर रहा है, किसी और ऐसी चीज के लिए कर रहा है जिससे कि उसे कोई बेनिफिट नहीं, उसे अपनी सर्वाइवल की बात है, वहां पे आप मत लो। लेकिन यदि आप यहाँ पे किसी को बिजनेस के पर्पज से दे रहे हो, किसी और पर्पज से दे रहे हो, तो वहां पे आपको लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। यस सर, वहां पे भी सही, तभी तो बैंक से लेते हैं 4% जो दे रही है, जो क्योंकि वो कहीं से इनकम जनरेट कर रही है उससे, हमारे पैसे से। लेकिन यहाँ तो जो शादी विवाह में किसी का डेथ हो जाता है, तो उसमें तो वो बीमारी में डेफिनेटली तो उसमें तो जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए नहीं लेते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा इसके साथ एक बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कोऑपरेटिव बैंक के साथ, कि जब भी किसी को उधार पे, मतलब वही लोन देता है ना किसी को, तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, रिकवरी क्यों मुश्किल होती है, क्योंकि भाई गरीब आदमी को देता है ये पैसा, और गरीब आदमी को देगा कहाँ से वापस कर पाएगा, तो चलो ठीक है माफ कर देते हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट रिकवरी जो है ना ये थोड़ा वीक है, यहाँ पे क्रेडिट रिकवरी नहीं हो पाता प्रॉपर, और प्रॉपर इनके पास स्किल्ड आदमी भी नहीं है, एक्सपर्ट आदमी भी नहीं है कि सब कुछ को मैनेज कर पाए। नॉर्मल लोगों ने वो अपना शुरू कर रखा, तो नॉर्मल लोग की तरह वो लोग काम करते हैं, थोड़े प्रोफेशनल हो रहे हैं, बट स्टिल आज वो बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ना, बड़ा अच्छा टेबल दे रखा कॉमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक का। देखो कॉमर्शियल बैंक जो है ये 1949 से चल रहा है, जबकि कॉपरेटिव बैंक 1966 से चल रही है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है, एक जो है ये कॉपरेटिव बैंक जो है ये कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये गवर्न हो रही है, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904, ठीक है। मैंने आपको बताया ये सोसाइटी है, ये बैंक है होते हुए भी सोसाइटी है, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है ये तो ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से रेगुलेट होगी, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, और कॉपरेटिव बैंक आपकी सोसाइटी एक्ट के थ्रू, ठीक है।
रेगुलेटर जो है, अब देखो कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई भी रेगुलेट करता है, नाबार्ड भी रेगुलेट करता है, और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसे वो करती है। जैसे कि अगर मान लो कि बड़े स्केल पे तो आरबीआई करेगा, स्टेट वाला है तो स्टेट करेगा, ठीक है। और अगर मान लो नॉर्थ पे ये केस ऐसा होता है कि नाबार्ड करती है। अच्छा नाबार्ड मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है नाबार्ड, अभी मान लो कि नाबार्ड करती है, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको नाबार्ड क्या है। और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, ये तो आरबीआई ही करती है, सिंपल, ठीक है। अच्छा क्या ये सीआरआर एसएलआर वगैरह सब फॉलो करना होता है? तो हाँ करना होता है, लेकिन बैंक इनके लिए, आरबीआई जो है इनके लिए अलग अलग स्लैब बताती है, अलग अलग तरीके से बताती है कि आपको इतना रखना, आपको इतना रखना, जैसा आरबीआई को सूट करता है उस हिसाब से बोलती है। ये नहीं कि जो बाकी बैंक सब फॉलो कर रही है वही चीज इनके ऊपर भी थोपा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, फॉलो हालांकि करना पड़ता है। अच्छा रेपो रेट वगैरह सब इनके लिए है क्या? देखो है तो, लेकिन इन्हें ना कुछ ही कैटेगरी में कॉपरेटिव बैंक में इन्हें मिलता है, यानी कि कॉपरेटिव बैंक के पास ये सुविधा नहीं है कि हर कॉपरेटिव बैंक के पास कि रेपो रेट पे लोन ले पाए या एमएसएफ फैसिलिटी हो। अच्छा एमएसएफ क्या होता है बताओ, एमएसएफ क्या है बताया था कल मैंने, एमएसएफ क्या है, व्हाट इज एमएसएफ बोरो? स्टैंडिंग फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सही है विद्यानंद, सही बोला तान्या ने, याद नहीं। पढ़ाओ पढ़ो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में कल चर्चा की थी एमएसएफ के बारे में, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये, इसके पास ऑप्शन बहुत कुछ ही कोऑपरेटिव बैंक्स के पास होता है, ठीक है। मुझे पता है आज की क्लास थोड़ी बोरिंग चल रही होगी, बहुत ही वो है सब्जेक्टिव है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं दिमाग लगाने वाला, बट कोई नहीं, खुद से भी पढ़ सकते थे, मुझे बट तो ठीक है, सही लग सही रहा है सर, लग रहा है साक्षी यस थाने, सर। सही लग रहा है कि वो बोरिंग लग नींद रहा है? जब रहता है ना, नींद दबाए रहता है तो बोरिंग लगने लगता है, सब तो सही है अच्छा तान्या साक्षी, सर। थोड़ा थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सब्जेक्ट अगला सा फैक्चुअल चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली, इसमें मतलब हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ ऐसा है कि आप रीड करो खुद से और पढ़ लो, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला तो है नहीं, बट कोई नहीं, अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोशिश नहीं, करूंगा कि बोलते थोड़ा रहते फास्ट हैं तो चलूं। इसीलिए थोड़ा सा मतलब बोरिंग नहीं लगता, इंटरेस्ट ओह आता है। बीच बीच में पूछते हैं तो बताते हैं, इससे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, और फिर देखते स्क्रीन देखते देखते बोर होने लगते हैं। ऑल राइट, देखो मुझे तो मजा आता है टेक्निकल चीज में, जिसमें कुछ समझाना पड़े, जिसमें कि दिमाग लगाना पड़े, इन सब चीजों में मुझे तो पर्सनली मजा नहीं आता जैसे रीड करके बता दो खाली। अच्छा ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है ये 40% है किसमें, आपके कॉमर्शियल बैंक में, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको 40% अलाउ, मतलब 40% तक उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो करनी होती है। यहाँ पे 75% लिखा है, वो 75% किस बैंक के लिए है? रीजनल रूरल बैंक्स में भी 75% था। एग्जैक्टली, तो क्या रीजनल रूरल बैंक जो है क्या उसे हम कॉमर्शियल बैंक मानेंगे? डेफिनेटली मानेंगे, ठीक है। तो ये जो 40 to 75% है, तो ये जो जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है ये सारे के सारे क्या है, तो जो बड़े बड़े बैंक है इन सबको 40% अपना पीएसएल करना पड़ता है लेंडिंग, ठीक है। और जो आपका आरआरबी है, आरआरबी आपका 75% करती है। तो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में छप जाए, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद फिर कौन बोरो कर सकता है? तो पहली प्रेफरेंस मेंबर्स को, यहाँ पे किसी को भी मिल सकता है प्रेफरेंस, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया अच्छे से, नहीं भूलोगे कहानी के माध्यम से आपकी खुद की बैंक हो गई आज तो, ठीक है। वोटिंग पावर हम लोगों ने देख लिया कि शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग मिलता है बैंकों में, और अपने लोग जो है खुद वोट करते हैं, वो वोटिंग पावर अपना है, और ठीक है ठीक है। प्रेजेंस जो है, देखो ये एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये मैक्सिमम किस एरिया में काम करता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये ज्यादा है, अपने इधर तक कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को नहीं मिलता। तो अब जैसे मैंने कहा ना कि इसका 67% गाँव तक इसकी पहुंच है, तो आपको लग रहा होगा हमारे गाँव में तो नहीं है ये, ऐसा फील हो रहा था क्या, हमारे गाँव में तो नहीं है, फील हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मुझे तो लग रहा था कि नहीं हमारे तरफ है। अच्छा आपकी तरफ है ये कोऑपरेटिव बैंक? सुना हुआ है, मतलब कोऑपरेटिव है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। बेसिकली ये इसका जो मेन घर है ना, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर है इनका, अपने इधर उतना नहीं है, है बट उतना नहीं है, उस स्तर पे नहीं है, तो वो चीज है मेन बात।
सर ये मुझे कौन बताएगा, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक? सिंपल नॉर्मली बताओ, इससे क्या समझ आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है? होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक क्या समझ आ रहा है इससे? साक्षी एक्सप्लेन करेगी। साक्षी यस। दिमाग में क्या आ रहा है ये नाम सुनकर के? हाँ पहले से जानना आवश्यक नहीं है, नॉर्मली मतलब आप दिमाग में क्या आ रहा है, गूगल वूगल मत करो, नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आ रहा है ये वर्ड सुनकर के? हाँ कुछ भी नहीं, सो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स थे, ठीक है। और होलसेल मतलब होलसेल, होलसेल में बहुत वो सारा तो लोन, कपड़े वाला होलसेल बहुत रहता है सारा फिर, लोन जहाँ पे थोक होलसेल। में मिलता है कपड़े एग्जैक्टली जो भी हो। देखो क्या? होलसेल बेसिकली आपको जो कहा विद्यानंद ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे थोक में कुछ चीज मिलता है, तो बेसिकली WITF जो है इसका जो मेन थोक काम है में ना ये से एक बड़े, ग्रुप, मतलब एक हाँ थोक नहीं समझ में आई है, मैं बस वो पूछ रही थी शायद। अच्छा थोक क्या है ये नहीं पता, थोक नहीं पता क्या? ओके अगर प्रॉब्लम सर होगा तो आपने कुछ पूछेगी। पूछा हाँ था क्या? आपने कुछ पूछा? विद्यानंद कह रहा है कि आपको थोक का मतलब नहीं पता, थोक माल अच्छा पता है? सर, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होलसेल हाँ मार्केट वगैरह होते हैं तो जहाँ पे आपको कम प्राइस में मिल जाता का, हाँ मतलब बहुत उनके पास अमाउंट इतना लार्ज रहता है मतलब उस है। चीज का। ठीक है ठीक है ठीक है, विद्यानंद जज ना किया करें आप, इन लोग को भी पता नहीं है। सर वो नहीं, वो बात नहीं, वो कुछ पूछिए फिर म्यूट कर दी, अरे चिल मतलब पूछते चिल म्यूट कर दी, चिल, कोई बात नहीं, ठीक है इसीलिए मैं मजाक कर रहा हूँ, चिल दिल पे ना ले आप। तो नहीं, डब्ल्यू टी मैं एफ, दिल पे नहीं ले रहा हूँ। नहीं अब जो मैगी बढ़ रहा था उसे कुछ नूम लोग नहीं समझ में आता, इसलिए मैं बोला। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो ये WLTF बैंक है, ये भी क्या करती है, ये होलसेल काम में देती है पैसा अपना, ठीक है, फाइनेंस करती है, मतलब कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, या फिर और कोई बिजनेस ओनर्स हो गए, तो उन सब के लिए ये होलसेल आया है। होलसेल वाले को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करने का काम कौन करती है? WLTF बैंक, ठीक है, WLTF बैंक जो है ये करती है। RBI ने इसे 2017 में रिलीज किया है, 2017 से पहले ये एग्जिस्टेंस में नहीं था। क्यों की होगी? डेफिनेटली इस वजह से ताकि हमारे इधर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले और लोग सब अपना ये अपना काम करें अपना उस चीज का, ठीक है, अपने पैसों की कमी की वजह से उनका काम ना रुके, बिजनेस ओनर्स का, तो वो चीज है। इनमें खास बात क्या है ना कि 10 करोड़ से कम की डिपोजिट ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, मतलब अगर आप जाओगे ना बैंक में जमा करने के लिए इसके बैंक में, तो आपको कहेगा अच्छा कितना पैसा है तुम्हारे पास जेब में, कहोगे कि पूरी जिंदगी भर की कमाई है, 1 लाख रुपए इकट्ठा करके लाए, आपको लात मार के भगाएंगे, कहेंगे 10 करोड़ लाओ कम से कम, 10 करोड़, 10 करोड़ से कम में नहीं, तो आप कहोगे ठीक है मैं इस जिंदगी में नहीं आ सकता, मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा अंबानी की पोती बन करके, तो तभी मैं 10 करोड़ ला सकती हूँ, बोलो सही कि नहीं? यस सर, अगर आप IAS ऑफिसर बन भी जाते हो तो क्या 10 करोड़ कमा पाओगे? मतलब ऐसे नॉर्मली तो नहीं, अगर देखो अच्छे से मुझे तुम काम पे किया विश्वास तो है, तुम बाकी डेफिनेटली वही कमा लोगा। तो सर मैं भी सोच रही थी सर नॉर्मली तो नहीं, पर वैसे तो मैं जरूर कमा लूंगा साइड से कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना हम हैं पीछे विसल ब्लोअर्स, ऐसा कोई काम मत करना। अब तो पता चल गया, अब तो YouTube पे भी है तो पता चल जाएगा विद्यारण कुछ करेगा सही बात है, पब्लिकली जा रहा है ये तो ठीक तो है ठीक है, अरे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आता है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको सुना होगा कि मैंने एक दिन और चर्चा किया था कि मुद्रा लोन देती है, जो छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है ना उनके लिए कुछ देती है लोन वगैरह, ठीक है, ये सिडबी की सब्सिडरी है। सिडबी क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है, मैंने आपको दो चीज के बारे में कहा हम आगे देखेंगे, एक नाबार्ड के बारे में और एक अभी कह रहा हूँ सिडबी, इन दो टर्म को ध्यान रखना कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे दोबारा याद दिला देना एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुद्रा बैंक जो है ये सिडबी की क्या है, सब्सिडरी है, यानी कि सिडबी के अंडर में मुद्रा बैंक काम करता है।
बेसिकली ये किसके लिए है, तो छोटे छोटे लोन देने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे कि शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, ये आपको ना बिना कोलेटरल के आपको लोन देती है आपके बिजनेस करने के लिए। यदि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो, सपोज कि अब जैसे विद्यानंद जो है, इसने कोई घपला किया 5 करोड़ रुपए का, जैसे मैंने कहा, ठीक है, इसने घपला कर लिया। अब क्या होगा इसके ऊपर, सरकार जो है इसके ऊपर क्या है कि पुलिस केस होगा, हम लोग विसल ब्लोअर की तरह जाएंगे और इसके ऊपर केस कर देंगे, इसको हो जाएगी जेल। अब विद्यानंद का सारा जो प्रॉपर्टी ये कर लिया जाएगा कॉन्फिस्केट। अब इसके पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन एक बचेगा आलू ले लो, टमाटर ले लो, ठीक है। बेसिकली विद्यानंद चले गए अब सब्जी बेचने के लिए, अब उसके लिए ठेला भी खरीदने के लिए इनको पैसे चाहिए, तो क्या करेंगे ये, शिशु लोन लेंगे 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए में काम बन जाएगा विद्यानंद। लास्ट ऑप्शन तो यही है। लास्ट ऑप्शन है, तो 50,000 में आप शिशु लोन ले लेना, आपको कुछ भी चीज कोलैटरल रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जाओ और आप अपना जा करके शिशु लोन ले लो, ठीक है, सब्जी बेचने के लिए। उस साथ भी क्या है, विद्यानंद के पास दिमाग तो है ही भाई, आईएएस ऑफिसर रहेगा, भले उसे निकाल दिया गया, सब कुछ छीन लिया गया, दिमाग तो है ही, तो अपने आपको ना तुरंत से अपग्रेड करेगा। और अब क्या बनेगा, एक दुकान खोल लेगा ठेला से, ठीक है। तो दुकान खोलने के लिए फिर पैसा चाहिए होगा, तो ये किशोर लोन लेगा 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में। अब दुकान इसकी बढ़िया चल रही है, 2 साल हो गया, जबरदस्त तरीके से पैसे छाप रहा है, नोट छाप रहा है, ठीक है, और जितने आईएएस ऑफिसर है ना उन्हीं के पास जाकर के ये बेच रहा है सामान अपना, ठीक है। तो वो ऐसा काम कर रहा है। अब क्या, अब इसके दिमाग और ज्यादा आते हैं कि नहीं, इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा, तो क्या करेगा ये, कहेगा मुझे अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है और बनना है क्या एमबीए चाय वाले की तरह, ठीक है, या चाय सुट्टा बार की तरह। तो ये लेगा तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख के बीच में, कि अब भाई मुझे अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, अभी अपनी अलग अलग फ्रेंचाइजी खोलेगा। पीछे से जो इसके ऊपर हंस रही होगी तान्या, ये भी तब तक बूढ़ी हो चुकी रहेगी, तो तान्या को काम पे रख लेगा फ्रेंचाइजी पे, ठीक है। तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो 5 लाख रुपए ना यस 10 लाख रुपए। तान्या ऑलराइट, क्लियर हुआ? सर, विद्यानंद देखिए अलग लेवल की खुशी है, काम पे रख लिया। यस इतनी खुशी, ठीक है, ऑल राइट, कोई नहीं विद्यानंद, आपको ये नौबत नहीं मिलेगी, आप ही रहोगे ठेला चलाने वाले, ये तो पूरी नौकरी करने के बाद रिटायर हुई रहेगी, तो इन्हें पेंशन मिल रहा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये चीज है, ठीक है। ये हमने क्या देखा, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में क्या होता है ना कि बहुत कम रेट पे दिया जाता है, ठीक है, और ये ना नॉन फार्मिंग सेक्टर में है, इतना ध्यान रखना, मतलब कि किसानों को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, कंफ्यूजन को क्रिएट कर सकता है कि क्या ये किसानों को देता है ऐसे सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में। आप कहोगे नहीं ये खेती के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, जो बिजनेस पर्पज से हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, प्रोसेसिंग सेक्टर में हो, ट्रेड में हो, मतलब व्यापार के सेक्टर में होना चाहिए, किसी प्रकार का व्यापार होगा तो उसमें मिलता है ये, ठीक है। अच्छा पता है, आप ना एक बात, एक काम करना, आज जा करके ना इसके बारे में थोड़ा सर्च करना, मुद्रा लोन के बारे में, कि मुद्रा लोन मिलता कैसे है, ठीक है। ये एक मतलब बेसिक, एक जागरूक नागरिक के तौर पे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, ताकि सपोज अगर आपके आसपास कोई है ऐसा आदमी जिसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे एटलीस्ट कह सको कि आपको यहाँ पे लोन मिलना है। क्योंकि हम लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग क्यों कर रहे हो, जो जनता है जनता की भलाई के लिए, ठीक है। जनता की भलाई कैसे होगी, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना होगा, क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत आज की जाए कि मुद्रा लोन के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, और यदि आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है जिसे की रिक्वायरमेंट है उस चीज की, आप उसे बताओ, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है। आपने इससे पहले सुना था क्या मुद्रा लोन के बारे में? ये सर अनीश सर के एक सर क्लास में आप जी चर्चा मेरा, किए थे। ठीक है, मैंने चर्चा किया था तब पता था विद्यानंद को, आपने कभी सुन रखा था, ठीक है। जो भी है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना कि मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या है मिलने का, ठीक है, और वो प्रोसेस अपने दिमाग में स्टोर रखना, जैसे ही आपको मौका लगे आप ये काम उन्हें बता सकते हो, 10 मिनट उन्हें शेयर कर दो या फिर मुद्रा लोन कैसे उन्हें मिल सकता है। तो यदि आप वो काम करोगे तो आपका ही भला हो जाएगा, थोड़ा पुण्य कमा लोगे, थोड़ा सिविल सर्वेंट वाला आपके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी सब इंप्रूव होगी, तो ये सब थोड़ा ट्राई करना, ठीक है, मजा आएगा। तो इसको देखना, मुद्रा लोन को करोगे? यस सर जरूर। ये दोनों बहनें नहीं करेंगी, चुप है। देखो नहीं भी करोगे तब भी कोई लोगों आगे में देखना, हेल्पफुल है ही नहीं, हेल्पफुल है हाँ नहीं, है ही नहीं। हाँ हेल्पफुल है ही नहीं। देखो सर, क्या विद्यालय में बहुत है, बोली, क्या बोला आपने, विद्यानंद विद्यालय बहुत हेल्पफुल बहुत सर। हेल्पफुल है। ओहो, देखो विद्यानंद हेल्पफुल तो है,
ये तो मानना पड़ेगा। तभी तो किसी को लोन नहीं, तो सर सरकास्टिकली हाँ, बोला, सच इसने में मुझे लोन देने से मना किया था, मैं कैसे बोल सकता था? देता है तो लोन बहुत घटिया इंसान है, बेगैरत इंसान है, इससे कोई बात नहीं वाले पैसे वाले में नोट है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? देखो, जितनी भी सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंकों का आपस में ग्रुप है, और उस ग्रुप को कहते हैं क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, सेंट्रल बैंक इंडिया की कौन सी है बताओ विद्यानंद? क्या सर? इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? एसबीआई सीबीआई? एसबीआई एसबीआई एफबीआई? यस एसबीआई? हाय हाय विद्यानंद, हाय। देखो, भलाई के चक्कर में इतना भी मत पढ़ो कि अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर दो, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करो। सेंट्रल बैंक, चलो आप बताओ, साक्षी आप बताओ, सेंट्रल बैंक क्या है? क्या विद्यानंद गलत कह रहा है? आरबीआई सर आरबीआई है ये? एसबीआई कहाँ से कह रहे हो भाई? एसबीआई में कोई मतलब पुराना इससे नाता है क्या? कोई इससे बैंक वैंक पे लोन ले रखा है क्या एसबीआई से? देखो, जो हमारी सेंट्रल बैंक है ये एसबीआई नहीं है, दिमाग में गांठ बांध लो। ये क्या है? हमारी आरबीआई सर है, हमारी आरबीआई सेंट्रल बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही नोट छापती है, यही हमारे बैंकों को रेगुलेट करती है, इसलिए सेंट्रल बैंक ये है, ठीक है। तो इसलिए ये इतना बड़ा ब्लंडर प्लीज मत करना, वरना फिर क्या कहते हैं, मेरे पढ़ाई पे ना धब्बा लगेगा और लोग मेरी बेइज्जती होगी। तो मेरी बेइज्जती इस मामले में तो एटलीस्ट मत करवाना, ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। ये बताया अभी तक, खैर मैंने पहले, बट कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? जितने भी दुनिया भर में अलग अलग देशों के अपने अपने जो है बैंक, ठीक है, कौन कौन से बैंक? सेंट्रल बैंक, उन सबकी ग्रुपिंग है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इनका काम क्या है? ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है, और जो डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बीच का जो डिफरेंस है इसको थोड़ा कम करने का प्रयास करना। अच्छा, वैसे दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन सा है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, ये भी दुनिया भर के बैंक वगैरह सब इसमें मिल करके एक अपना बनाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जो कि अफ्रीका का है। फिर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, इसके ऊपर ने क्वेश्चन भी आ रखा है एक बार यूपीएससी में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आप ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना, एआईआईबी क्या है, बहुत बेसिक चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा था, क्या इसमें 80 से ज्यादा मेंबर हैं? अच्छा, आप बताओ, क्या इसमें 80 से ज्यादा मेंबर हैं? कि मैंने सही बोला या गलत बोला? मोर देन 80 मेंबर या 80 मेंबर एटलीस्ट एआईआईबी में, बिना सर्च करके बताना। एआईआईबी का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपने कभी जिंदगी में इसका नाम नहीं सुना, सीधा आपके ऊपर क्वेश्चन आया है कि ये 80, इसमें 80 कंट्रीज मिलकर के इसमें अपना वो करती है, 80 देशों का है ये। क्या ये सही है कि गलत है? यहाँ पे सबसे स्मार्ट कौन है आप में से? विद्यानंद विद्यानंद सर बताओ फिर। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। रेट्टी के क्वेश्चन? क्वेश्चन हाँ बोलो। रिपीट ओके कर दीजिए। ओके, देखो क्वेश्चन ये है कि एआईआईबी, ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपने जीवन में इसको पहली बार सुना है इसका नाम, सपोज पहले भी सुनाओ तो कोई बात नहीं। उसमें मैं कह रहा हूं कि 80 से ज्यादा या लगभग 80 के अराउंड जो है ये कंट्रीज मिल करके इस बैंक को चलाती है। बेसिकली इसके जो मेंबर्स हैं, ये 80 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एआईआईबी। क्या मैंने सही बोला कि गलत बोला? खाली आपको ये बताना है, यस और नो, और साथ में अपना लॉजिक। सर इसे हम इसे सॉल्व करेंगे कि एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, उसके बेसिस पर, अगर हमने इसको पहले नहीं सुना है तो हम इसके बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि कितनी कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, तो फिर वो 40+ कंट्रीज है, लाइक 48 कंट्रीज है उसमें रखी हैं, और आपने बोला 80, तो फिर 80 से कम मतलब काफी कम है, तो फिर इसमें इतने सारे इन्वेस्टर्स नहीं होंगे। एग्जैक्टली, एशियन है ये इसका नाम, तो एशियन है तो इसका मतलब एशिया क्या होगा, हमें इतना कॉमन सेंस हमें लग रहा है, ठीक है। तो एशिया का है ये, एशिया में 80 कंट्री ही नहीं है, टोटल अपने विश्व में इतने सारे कंट्री नहीं है कि एक अकेले एशिया में इतने सारे हो जाए।
ठीक है, क्योंकि एशिया में तो फिर भी बड़े बड़े देश हैं, जब आप यूरोप में जाओगे, यूरोप में कितने छोटे छोटे देश हैं, कभी देखा है यूरोप के देशों को कितने छोटे छोटे, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप को, यस ठीक सर, है। हाँ सबसे स्मार्ट बन रहा था, ठीक है, ऑल राइट। तो ये है बेसिकली आपका ए आई, अभी भी हमारे आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये चीज है, उसके बाद फिर क्या है, मैंने आपको लोन के तरीके सर बताए थोड़ा थे। हाँ रिटर्न क्या कह रहे हो, सर, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आया तो थोड़ा मतलब ये जैसे आप बताए थे IMF और वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक देती है मतलब लोन, IMF नहीं देती है, तो हाँ बस IMF तो देती, तो ऐसा क्यों आप बोले थे कि नहीं देती है, तो मैंने कहा कहा था कि नहीं लोन के देती लिए है, नहीं बना है। मैंने साथ में कुछ और भी बोला था कान्या, फिर मैंने बोले क्या थे बोला था उस दिन IMF आप फंड के एक्सप्लेन कर आना, सकती हो विद्यानंद को? यस सर, बोले थे IMF फंड के आना। सर आपने बोला था लोन देती है, बट वो ऐसे लोन्स नहीं देती है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, किसी इस चीज के लिए, किसी कंट्री को नीड है तो दे दिया, पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो एडवाइस के एडवाइस भी देती है और फाइनेंशियल हेल्प भी करती है उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, जैसे कि इमरजेंसी टाइम में उसने किया था। बैलेंस और ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे देती है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत होती है। देखो विद्यानंद, मैं कहता हूँ, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ उसके आगे आसपास क्या कहता हूँ आगे पीछे वो भी सुनना है। मैंने डेफिनेटली कहा था कि बैंक लोन नहीं, IMF लोन नहीं देती, बट साथ में कंडीशन ये लगाया था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देती। यदि आपको डेवलपमेंट के लिए लोन लेनी चाहिए लेना है, तो आपको वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा, आपको और इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। मैंने साथ में कहा था ये नॉर्मल इंडिविजुअल को भी लोन नहीं देती, आपको लोन नहीं देगी, मुझे लोन नहीं देगी। इस वजह से मैंने कहा था IMF लोन देने वाली कोई बैंक बैंक टाइप नहीं है, ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोन दे। ये क्या करती है, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालती है। तो एकमात्र कंडीशन है वो लोन देने का, वो कब है, जब कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी फिर मैंने आपको वहां पे समझाया था कि क्या चीज है, ठीक है, अभी या क्लियर तो फिर हुआ? उसके बाद कंडीशन रखता है कि मतलब आप ये करें तो फिर देंगे, जैसे ठीक है, तो मैंने गलत नहीं पढ़ा था विद्यार्थी, पाकिस्तान का रिजेक्ट किया। ठीक पाकिस्तान का रिजेक्ट किया। हाँ ठीक है, ठीक है, करंट, ऑल राइट। सुनो, मैंने आपको कल बताया था लोन का इंटरेस्ट हमें किस किस हिसाब का होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। एक और है टीजर लोन, ठीक है। टीजर लोन क्या है, जिसमें कि अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, याद है किसी को? विद्यानंद बताएगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या था, कल ही बढ़ाया। सर, जिसमें मतलब क्या किसी से इंटरेस्ट मतलब ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं वो अपने पे निर्भर करता है। बक बुड़बक वो बताया था मैंने, आपने नोट्स बनाया था, नोट्स को पलटो फटाफट, नोट्स में क्या लिखा है कल, या नहीं बनाते नोट्स? सर बनाता हूँ, सब सब कुछ नहीं लिखता हूँ, मतलब कुछ कुछ लिखता हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? देखो फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको जैसे जैसे RBI अपना रेपो रेट कम करेगी, ज्यादा करेगी, वैसे वैसे आपका ये भी इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट होता जाएगा। सपोज आज आपने 8% के रेट पे आपने लोन लिया यस था, सर बताए थे, जो बोले थे कि ये करके मतलब स्टेबल पे मतलब एक होता है कि फ्लोटिंग तुम नहीं करके आना, ये तो कमेगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ तो इसमें क्या है, टीजर लोन ना इसी एग्जाम्पल तरह। वाले हाँ समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल नहीं सर, मेन वही नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल आ जाता है यार। अगर रिवाइज करोगे ना बार बार, तो फिर वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए फटाफट आपको रिवाइज करना पड़ेगा सब कुछ। अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है, सारा नोट्स एक बार रिवाइज मार दो, एक बार जो नोट्स बना रखा है सब कुछ को एक बार गो थ्रू हो जाओ। अब आपको इतना कुछ बता चुका हूं ना मैं कि आपको एग्जाम में 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 70%, ठीक है, प्रिलिम्स के। मेंस के तो डेफिनेटली अभी नहीं होंगे 70%, बट प्रीलिम्स के आपके 70% हो जाएंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो आप ट्राई कर सकते हो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर है क्या टीजर लोन, टीजर लोन क्या है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का ही एक सब टाइप है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना इनिशियल लेवल में कुछ सालों के लिए कम इंटरेस्ट रेट लगता है, और बाद में इंटरेस्ट रेट ज्यादा आपको लगने लग जाता है। तो RBI कह रही है कि हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ये काफी डेंजरस हो सकता है, ये वो जो भी रीजन है, ठीक है, वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेकर के आए हैं टीजर लोन के ऊपर।
मेरा आपसे प्रश्न ये है, इसका उत्तर मुझे साक्षी देगी। प्रश्न ये है साक्षी, ध्यान से सुनो, कि टीजर लोन एग्जिस्टेंस में है क्यों, क्या काम है टीजर लोन। मैंने आपको समझाया कि शुरुआती कुछ सालों में कम इंटरेस्ट रेट लगता है, उसके बाद पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है या फिर ज्यादा लगता है, बढ़ता नहीं जाता तब भी ज्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों, ये एग्जिस्ट क्यों करता है टीजर लोन? बोलो बोलो बोलो। साक्षी आवाज आ रही है? साक्षी इसको यस सर, बार बार पूछना पड़ता है तो कहती है यस सर। बताओ क्यों एग्जिस्ट करता होगा, सोचो सोचो, कॉमन सेंस यूज करो। चलो जी, इनकी बहिनियां आप ही बताओ। सर सर टीजर लोन स्टार्टिंग में तो सर जो वीक बोरोवर्स होते हैं ना उनको ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में वो लोग को जब जरूरत होती है तो वो सबसे पहले तो कम इंटरेस्ट रेट देती है। लेकिन ठीक है ये ठीक है क्योंकि पहले तो कम इंटरेस्ट रेट देती है तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीमे धीमे करके वो एक बढ़ाती जाती है, एक होता नहीं एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग हैं सर, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जियो वाला था, हम लोग स्टार्टिंग में वो एकदम ही लोग बिल्कुल रखा था कि हाँ लोग को ही बेनिफिट हो रहा था इस चीज से, लेकिन इस तरीके से हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए कि अब हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। हमें पता था कि ये चीज बाद में इंक्रीज करेगी, बट एक तरीके से डिपेंडेंसी रहती है, तो वही एक कारण रहा। जैसे सब पता है कि शेयर मार्केट रहता है या फिर स्टॉक मार्केट ये रहता है, लोगों को पता है तो पैसा डूबेगा भी पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन लोग इसमें अट्रैक्ट तो करता ही है ना एक तरीके से, तो लोग इसमें इन्वेस्ट एग्जैक्टली। करते हैं। लोग इस तरीके से टीजर लोन्स भी सर ये लिया था कि स्टार्टिंग में तो कम ही देते तो मोस्टली कस्टमर्स इसमें ना अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली, परफेक्टली ठीक है। इसमें एक और चीज होती है कई बार, कि जो बिजनेस ओनर्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे लोन को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि एटलीस्ट कुछ सालों में तो हमें एटलीस्ट कम देना पड़ेगा, बाद में हम ठीक है हम दे देंगे फिर तो एक्स्ट्रा, जब हम प्रॉफिट भी कमाएंगे तो आना बाद में दे शुरू हो देंगे। क्या जाएगा, बोले विदन? यही कि मतलब प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा जो स्टार्टअप जो है जो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये ना टीजर लोन, वैसे तो ठीक है आपने जो वो बोला है, आपने बिल्कुल परफेक्टली सही बोला है तान्या, कि इससे लोग अट्रैक्ट करते हैं लुभाने के लिए। ये थोड़ा गलत मेथड भी ऐसा फील होता है कि गलत है, ठीक है डेफिनेटली। और इसी वजह से आरबीआई इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने का सोचती है हमेशा, और बैन नहीं किया लेकिन हो सकता है बैन कर भी दे। बट बात यह है ना कि अगर ये बैन करती तो ये आरबीआई के लिए हिपोक्रेसी की बात होगी, गवर्नमेंट के एंड से हिपोक्रेसी की बात होगी। क्यों हिपोक्रेसी की बात होगी? गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, जैसे कि क्या होता है, आपने एसईजी सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वही है उसका नाम, एसईजी, एसईजी ऐसा सुना है। है ना। तो उसमें क्या है, कुछ सालों के लिए उसके ऊपर कोई भी वो चार्ज नहीं करती सरकार, इंटरेस्ट वगैरह बाद में चार्ज करती है। तो वही चीज है, सेम ऐसी अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप में कुछ सालों के लिए इनिशियल लेवल्स के ऊपर क्या होता है, उन्हें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट देती है और बाद में नहीं देती। तो हम इसे सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन में ही क्यों देखें? मेरा प्रश्न ये है कि हम इसे सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन में ही क्यों देखें, कि यहाँ पे सिर्फ लुभा करके उससे वो खाली चूस लेने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, वो उसका एक ड्रॉबैक है डेफिनेटली है, किंतु इसे पॉजिटिव भी तो हम देख सकते हैं ना, कि जैसे गवर्नमेंट जो है इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है, कि इनिशियल कुछ लेवल में आपको टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा देंगे, हम आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बहुत सारे रिबेट देंगे, बहुत सारे हम आपको फायदा देंगे ताकि बिजनेस ग्रो करे। तो ठीक टीजर लोन में भी तो वही है, कि गरीब आदमी है उसे आप लोन दे रहे हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, उसका जब वो कमाएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाने की उसमें आ जाएगा, तो ज्यादा आपको चुका देगा। सिर्फ आप इसे नेगेटिव कॉनोटेशन में क्यों देखते हो? बोलो। सर टीजर लोन को हाँ सर यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से सब प्राइम क्राइसिस आए थे, बिकॉज सर ना वो लोग काफी सारे लोगों को स्टार्टिंग में लोन दे दिया था, इसके वजह से जो मार्केट था वो तो सर एक तरीके से जो लोन मतलब दो मतलब ओवरवेल्म लोन्स होते हैं, पता चल जाता है कि ये लोग पे नहीं कर पाएंगे, स्टिल वो लोग लोन देते रहते हैं, तो इस तरीके से क्राइसिस आ गई थी सब प्राइम क्राइसिस जो कि मतलब हर कंट्री से, इसलिए ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा आपने वो समझा? मैंने अभी क्या बोला, क्या पूछा, क्या पूछा मैंने?
आप यही पूछे थे कि बैड क्यों? ये, हाँ बैड क्यों है, मतलब ये नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा हम इसे सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन में ही क्यों देखे, क्या हम इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं देख सकते, वो पूछा मैंने, और उसका मैंने रीजन भी दिया था। विद्यानंद आप एक्सप्लेन करो कि क्या हम इसे पॉजिटिव में, पॉजिटिव लाइट में नहीं देख सकते। देखो हमें ना 360 डिग्री में सोचना चाहिए कोई भी चीज को। आपने पढ़ा इसे टीजर लोन को, ये आप जो कह रहे हो क्राइसिस 2008 के क्राइसिस की आप शायद बात कर रहे हो, वो इसकी वजह से आया था डेफिनेटली, अंधाधुन पैसा दिया गया था, इसलिए इसमें रेगुलेशन की आवश्यकता है। किंतु ये कंसेप्ट जो अपने आप में है, टीजर लोन का जो कंसेप्ट है, क्या ये अपने आप में इतना फ्रॉडलेंट कंसेप्ट है? क्या इसकी कोई पॉजिटिव साइड नहीं है? तो पॉजिटिव साइड तो एक यही है जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में ये कम पे देता है, तो फिर अगर कोई भी न्यू बिजनेसमैन होगा, अगर उसको स्टार्टिंग में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने वो है, तो फिर उसको इजीली लोन्स भी मिल जाएगा और वो कम इंटरेस्ट रेट पे भी, फिर वो एकदम से जब फ्लरिश करेगा तो फिर वो ज्यादा पे भी, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी दे सकता है। क्योंकि सरकार भी इसी चीज को कहती है, जैसे स्टार्टअप वगैरह स्टार्टअप को बढ़ावा देती है कि स्टार्टिंग में हम आपसे कोई वो चार्ज नहीं करेंगे, टैक्स बेनिफिट आपको देंगे, रिबेट देंगे, 100 तरीके की वादे करती है, 5 साल बाद आपके ऊपर सारे चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। तो एक हिसाब से तो वो भी है, लेकिन उनका मोटिव क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है कि इनको कल्चर को बढ़ावा देना। किस कल्चर को? स्टार्टअप के कल्चर को, बिजनेस कल्चर को बढ़ावा देना। तो टीजर लोन भी कहीं ना कहीं अपने आप में काम तो वो करता ही है। हाँ, उसके ऊपर रेगुलेशन की आवश्यकता अवश्य है, ताकि दोबारा से 2008 की तरह क्राइसिस ना आ जाए, अंधाधुन पैसा ना बांटा जाए। किंतु अपने आप में ये कंसेप्ट एज अ होल कोई बहुत बड़ा कोई फ्रॉड कंसेप्ट नहीं है, और यही रीजन है कि आरबीआई इस पे बैन भी नहीं कर रही है टीजर लोन को, इतने सारे नुकसान होने के बावजूद भी। क्योंकि ये सोचना है कि अगर हम इस पे रेगुलेशन कर लेते हैं तो ये कई जगह फायदा भी पहुंचा रहा है टीजर लोन, ठीक है? तो हम किसी चीज को इस तरीके से ना देखिए कि सिर्फ इसमें नेगेटिव नेगेटिव है। जैसे एक मुझे ध्यान आ रहा है, साक्षी ने एक क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन जो मुझे लिख करके भेजा था, उसमें था क्या क्वेश्चन था, पैसों के बारे में, करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में, ठीक है, करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में लिखा था। अच्छा आंसर था डेफिनेटली। उसमें एक बात थी कि करेंसी मैनिपुलेशन का अर्थ इसने प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के केस में किया था। आप जब तान्या समझा रही थी तब भी आपने प्रॉपर नेगेटिवली लिया था उसे, कि ऐसा होता है कि करेंसी मैनिपुलेट करती है ताकि अपने ट्रेड को वो बढ़ा सके। बट मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैनिपुलेशन का मतलब खराब ही होता है हमेशा, या खराब उसे मतलब दे दिया गया है? सर आपने दूसरा जो बताया था कि करेंसी को स्टेबलाइज करती है, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाएगा उसका। पॉजिटिव, तो यहाँ पे सब चीज है। लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैनिपुलेशन वर्ड को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया गया है कि वो नेगेटिव चीज है, खराब चीज है। मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करूँ, लोग को मतलब ऐसा आ चुका है आज के टाइम पे। तो आज के समय में मैनिपुलेशन का यूज करना ना थोड़ा मतलब एक खराब सेंस का माना जाता है। किंतु मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी भी चीज को चेंज करने का प्रयास करना, ठीक है, उसके थॉट को बदलने का प्रयास करना। तो मैनिपुलेशन वो चीज है कि कुछ में डिफर करना, कुछ चेंज करना। तो वैसे मैनिपुलेशन कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन आज के समय में उस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो खराब सेंस में चला जाता है, इसलिए हम लोग नहीं कहते। तो विद्यानंद आपने लिखा था कि हमारी आरबीआई हमेशा ही करेंसी मैनिपुलेशन करती है, इस वजह से हमारा करेंसी स्टेबल रहता है। मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, वो भी हमेशा करती है ऐसा नहीं बोला था, इस चीज का ध्यान रखना। देखो क्या होता है, मैनिपुलेशन देखो करती है, मैनिपुलेशन करती है, बट मैनिपुलेशन का अर्थ ये नहीं कि आज के सेंस में मैनिपुलेशन, नहीं, चेंजेस करती है। तो जब आप ये चीज लिख देते हो ना एग्जाम में, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या इसमें मैनिपुलेशन का वही अर्थ है? तो नहीं, आज का चेंज हो चुका है, तो आपको आज के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको 360 डिग्री सोचने के लिए कहा था कि ऐसा होता है, तो इसलिए आप सोचो ताकि आपको पता रहे, ताकि आप कहीं से किसी से बात करो तो आप एक ढंग से बात कर पाओ कि हाँ ठीक है, हमें इसे हर एंगल से सोच रखा है। किंतु सर, आप, हाँ बोलो। जैसे अभी जो विद्यानंद ने लिखा कि वो स्टेबलाइज करने के लिए जो आरबीआई होते हैं वो करेंसी मैनिपुलेशन करता है, बट मैंने भी मतलब मैंने उसमें एक पॉइंट, मतलब जो साक्षी लिखा था उसमें मैंने देखा था कि ये नहीं जैसे कि वो करती है, आरबीआई करेंसी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हाँ रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है उसमें करने की सोचती है। बिकॉज वो करेंसी मैनिपुलेशन इसलिए नहीं करती क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वैसे ही डिग्रेड हो जाती है, मतलब हमारा जो और की कंपैरिजन में, जैसे कि मैंने मतलब उसमें लिख रखा था कि जो युआन है
तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जैसे जो थोड़ी जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया की यूएन से तो मतलब काफी अच्छा है, मतलब हमारा जो करेंसी है उसका मतलब बल्कि मतलब डॉलर से कम है लेकिन यूएन से तो ज्यादा ही है। उन्होंने अपना करेंसी मैनिपुलेट कर करके उसका वैल्यू बहुत डिग्रेड कर दिया है एक तरीके से। अभी चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में मिलते हैं हर कंट्री में, मतलब मोस्टली कंट्रीज में, लेकिन इंडिया भी इतना करना शुरू कर देगा तो फिर उसका जो वैल्यू पूरा ही डिग्रेड हो जाएगा, तो इसलिए वो उसे कम प्रेफर करता है करेंसी मैनिपुलेशन को। ऑल राइट, आप मुझे ये बताओ, मैनिपुलेशन का अर्थ क्या सिर्फ करेंसी को कमजोर करना ही होगा, या मैनिपुलेट कुछ भी हो सकता है, ऊपर की साइड भी हो सकता है और नीचे की साइड भी हो सकता है? मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। बट मैंने सर उसमें ऐसा बिल्कुल मतलब ये उसमें नहीं पढ़ रखा था कि बहुत ज्यादा यूज जस्ट टू स्टेबलाइज द मनी रुपी, तो मैंने ये चीज नहीं देखा उसमें। मतलब मेरे को ये पॉइंट तो कहीं नहीं मिला, और ये जैसे पॉइंट आपने बताया था तो ये मुझे, लेकिन अगर ये चीज मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे यूज नहीं हो रही, लाइक इंडिया यूज नहीं कर रहा उतना ज्यादा, प्रोटेक्शनिज्म वो यूज करता है बट ऐसा नहीं है कि वो करेंसी मैनिपुलेशन को जस्ट फॉर स्टेबलाइजिंग द मनी वो ऐसा कर रहा हो, ऐसा नहीं दे रखा था कहीं भी। मैं वही तो आपको कह रहा हूं, मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने बोला ये आपको समझाने के लिए बोला, इसके ये चीज एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन का जब नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट ही दे दिया गया है प्रॉपर, तो हम नेगेटिव नहीं करती इंडिया। इंडिया कभी भी करेंसी को मैनिपुलेट आज के सेंस में मैनिपुलेट नहीं करती है, ठीक है? मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आप अपने जो आपने समझाया कि उसे ट्रेड के पर्पस के लिए जो आपका ट्रेड करना है उसमें अपने करेंसी को इतना ज्यादा क्रैश कर दो ताकि आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए काफी ज्यादा। करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब ये हो रखा है, ठीक है? ये मतलब दिया किसने, जो आपने बताया ये दिया है यूएसए ने, ठीक है? ये जो मतलब है करेंसी मैनिपुलेशन का, ये मतलब दे रखा है यूएसए ने, ठीक है? और यूएसए की डेफिनेशन है ये करेंसी मैनिपुलेशन की, बाकी दुनिया भर की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन नहीं है, ये यूएसए के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ठीक है? तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि मैनिपुलेट क्या आरबीआई जो है पैसे को स्ट्रांग नहीं कर सकती क्या? अगर आरबीआई पैसे को अगर स्ट्रांग करती है तो क्या हम उसे मैनिपुलेट नहीं कहेंगे? मैं नहीं कहेंगे क्या मैनिपुलेट करना? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे नॉर्मली। हाँ कह सकते हैं उस चीज को, बट हम वो चीज जो चीज कम है उसको डेफिनेशन में कैसे डाल दें? अब विद्यानंद ने जैसे डाल दिया होता वो चीज तो गलत हो जाता, हाँ, विद्यानंद ने डेफिनेटली, विद्यानंद को नहीं डालना चाहिए था। मैं आपको उसने जो समझाने के मैंने डाला लिए, वो भी गलत है, तो उसको आपने किस देखो तरीके से डालेंगे? यहाँ पे मैनिपुलेट वर्ड का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैनिपुलेट वर्ड को हम गलत सेंस में आज के टाइम पे देखते हैं। जैसे कि हम देख लो ना, जैसे आज एक टर्म है हिंदुत्व, हिंदुत्व टर्म जो है एक्चुअल में इसे एक खराब सेंस में लोग आज के टाइम पे लेने लग गए हैं। हिंदुत्व जो है ये सावरकर के द्वारा क्वाइन किया गया है, और फिर क्या है, इसे हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। जबकि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व का अगर आप संस्कृत में विच्छेद करोगे, विद्यानंद बताएगा मुझे, हिंदू में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, तत्वत प्रत्यय होता है, अगर हम एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो फिर उसे कहा यस जाता है हिंदुत्व। विद्यानंद मैंने सही बोला है हिंदू यस सर ना? तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि सावरकर के द्वारा कॉइन किया गया? नहीं, एक्चुअल में हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा संस्कृत का शब्द है और संस्कृत की अपनी परंपरा रही है कि दो शब्दों को जोड़ करके एक तीसरा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है? एक्चुअल में इसका मतलब हमेशा अच्छा रहेगा। मतलब क्या होगा इसका? हिंदुओं की क्वालिटीज जिसमें हो वो हिंदुत्व कहलाएगी, हिंदुओं की जो क्वालिटी हो। लेकिन आज के टाइम पे इसका गलत सेंस में ये लोग मतलब निकालते हैं। सेम इसी प्रकार से मैनिपुलेशन का मतलब जो है वो आपका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, ठीक है? अब अपने करेंसी को अप्रिशिएट करना भी हो सकता है, डिप्रिशिएट भी करना हो सकता है। किंतु यूएसए के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आज जो हम पढ़ते हैं वो यूएसए के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो अपने करेंसी को नीचे गिरा दे, डिग्रेड कर दे, ठीक है, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उसे कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेशन। जबकि एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअल में क्या ये हो सकता है कि मैनिपुलेशन, अगर करेंसी को हम अप्रिशिएट कर रहे हो तो हम उसे मैनिपुलेशन कहेंगे? डेफिनेटली कहेंगे। अब लेकिन हम लोग क्या एग्जाम में लिख सकते हैं? तो वो डाउटेबल है, वो नहीं लिख सकते। हम वहां पे करेंसी मैनिपुलेशन का वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में इसको खराब मतलब दे दिया गया है, ठीक है? आज के समय में जैसे आप देखो, एग्जांपल अगर हम अभी लें, आज अब मैं समझा ये रहा था कि आज की करेंसी आप देखो, जो अपना करेंसी है इंडिया का INR, ये बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है। आप देखो इन्फ्लेशन इंडिया में कम है, बाकी हर जगह देशों में ज्यादा है, ठीक है? डॉलर जो है स्ट्रांग होता जा रहा है लगातार, आपका यूरो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है? पाउंड आपका बर्बाद हो गया, ठीक है? पाउंड बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है, यूरो डेप्रिशिएट कर चुका है, येन डेप्रिशिएट कर चुका है, रनमिन भी डेप्रिशिएट कर चुका है, युआन डेप्रिशिएट कर चुका है, सारी की सारी करेंसी आपके डेप्रिशिएट कर चुके हैं हद से ज्यादा। भारत आज भी, भारत की करेंसी स्टेबल है। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, भारत की करेंसी स्टेबल कैसे है?
क्या आरबीआई ने या इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में अपना टांग अड़ा करके जबरदस्ती भारत की करेंसी को नहीं संभाल रखा? आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो क्या भारत सरकार जबरदस्ती अपने करेंसी को फॉरेक्स, अपने आपने सुना होगा कि अपने फॉरेक्स रिजर्व को खर्चा करके डॉलर को बेच देती है और इस वजह से अपनी करेंसी को स्ट्रांग करती है? क्या आपने नहीं सुना है? यस सर, सुना है। तो क्या हम उसे यस मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे? तो मैं वही चीज कहेंगे आपको कह रहा हूं कि मैनिपुलेशन होती है, किंतु यूएसए की जो डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं बैठते हम। यूएसए की डेफिनेशन में आपने जो लिखा है, साक्षी ने सही लिखा है, वो लिखा है यूएसए के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और आज के टाइम पे प्रचलित यही है यूएसए की डेफिनेशन। इसीलिए एग्जाम में आप यूएसए की डेफिनेशन लिखोगे, तो आप इसे फिर कैसे लिखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं? इसे कहोगे आप कि इसे कंट्रोल करना, इसे मैनेज करना, तो आप लिखोगे कि मैनेजिंग करेंसी, वर्ड यूज करोगे, सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करोगे, मैनेजिंग करेंसी। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में इतना खराब सेंस दे दिया जा चुका है कि आज आप इसे मैनिपुलेशन नहीं कहोगे, आज आप इसे मैनेजिंग कहोगे। लेकिन यदि मैं आपसे पूछा, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, तो आप क्या कहोगे? क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलो तो है, मैनिपुलेशन ही है। चाहे वो हम उसे डेप्रिशिएट करें चाहे अप्रिशिएट करें, अगर सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूएसए के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसलिए सोचा इसे डिस्कस कर लूँ क्योंकि विद्यानंद ने भी गलती की, वो लिख करके लिखना नहीं था, मैंने समझाने के लिए बोला था, और यहाँ पे साक्षी ने जो लिखा ये बिल्कुल सही लिखा, बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो क्लैरिटी आ जाए इसलिए मैंने ये समझाया। अभी पूरा क्लियर हो गया जो भी कॉन्टेक्स्ट है सब कुछ, कि क्या करना है क्या नहीं करना, एक्चुअल में मतलब क्या है, वो सब क्लियर हो गया यस सर, क्लियर। साक्षी? क्लियर है आपको? यस सर, यस सर, बड़े प्यार से बोलती है साक्षी। यस सर। विद्यानंद आपको तो क्लियर होगा ये। यस सर, लेकिन थोड़ा सा नेट वर्क प्रॉब्लम हो गया तो मैं यूट्यूब पे देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। हाँ, इसमें ना कुछ टर्म आते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ बोरोवर, बोरोवर के टाइप फटाफट दिखते हैं, प्राइम बोरोवर, सब प्राइम बोरोवर, ओवर लिवरेज्ड बोरोवर और जॉम्बी लैंडिंग। देखो सबसे पहले देखते हैं जॉम्बी लैंडिंग को बेसिकली। चलो उससे पहले प्राइम प्राइम बोरोवर से ही शुरुआत करते हैं। सपोज कि आपने कोई लोन लिया और आपकी क्षमता है कि आप उसे लोन को चुका दो, ठीक है, आप उस लायक हो, तो आप कहलाए जाओगे प्राइम बोरोवर। ठीक है, मतलब कि आपके पास कैपेसिटी है लोन को चुका पाने की, तो आप प्राइम बोरोवर कहलाओगे, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन सपोज यदि मैंने विद्यानंद को लोन दिया, ठीक है, क्या आपको विश्वास है कि विद्यानंद लोन चुकाएगा मुझे? आपको लगता है विद्यानंद मुझे लोन चुकाएगा? यस सर, प्राइम ब्रोवर में मैं आ गया। नहीं, मैं साक्षी के मुंह से सुनना चाहता हूं। ये नहीं चुकाएगा पैसा, ये पैसा लेके भाग जाएगा विद्यानंद। ठीक है, तो पैसा पैसा लेकर के चूंकि भाग जाएगा, ये कहेगा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा, इसीलिए ये कहलाएगा सब प्राइम बोरोवर। ठीक है, ये सब प्राइम बोरोवर है। बेसिकली क्या है कि आप पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि तो आप कहाँ पे आ चुके हो, आप आलू ले लो टमाटर ले लो कर रहे हो, तो आप नहीं चुका पाओगे मेरा पैसा, तो आप सब प्राइम बोरोवर कहलाओगे। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, दिल में मत लेना इन सब चीजों को। फिर ओवर लिवरेज्ड मैं नहीं बोरोवर, ठीक लेता हूं सर। है ओके, उसके बाद क्या है ओवर लिवरेज्ड बोरोवर? कई बार क्या होता है ना कि आपकी कुछ कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन आप ज्यादा लोन ले लेते हो अपनी औकात से बढ़ करके। ठीक है, सच कंपनी हैज बोरोवर टू मच मनी देन इट्स एबिलिटी टू पे इट बैक। मतलब कि सपोज विद्यानंद ने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, लेकिन इसे चुकाने की औकात थी 5 लाख रुपए की ही, तो 5 लाख तक तो चुकाएगा, लेकिन 5 लाख फिर आगे ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तो क्या इसे सब प्राइम बोरोवर कहेंगे? देखो एक हिसाब से सब प्राइम बोरोवर भी है, लेकिन नहीं एक हिसाब से ओवरलेज बोरोवर ये ज्यादा है, क्योंकि इसने अपनी औकात से बढ़ करके लोन लिया। औकात तो है इसकी कुछ, विद्यानंद की कुछ तो औकात है, किंतु कितनी औकात है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो ओवर ओवर लेवरेज जो ये बेसिकली ना कंपनीज ऐसे काम करती है जनरली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ऐसे काम करती है कि सोच अरे चुका देंगे, अपना ही है चुका देंगे, पैसा कमा लेंगे, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है ना, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, यानी कि उनके पास इक्विटी कम होती है और डेट ज्यादा होता है। अच्छा, मुझे इक्विटी कौन समझाएगा? इक्विटी क्या होती है, इक्विटी कौन समझाएगा? Who is going to explain me the meaning of equity? इक्विटीज है, शेयर्स कि कितना इसका शेयर्स है ठीक है, बेसिकली कोई। वही सिंपल लैंग्वेज में कि हमारे पास उसकी मालिकाना
अधिक क्या कहते हैं उसे, अधिकार कितना है हमारे पास, वो चीज कितना है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में जो आपने कहा वही सीख गया, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे क्या, इक्विटी। अच्छा, अगर डेट ज्यादा हुआ, इक्विटी कम हुई, तो क्या होगा, ये हाई डेट टू जीडीपी, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो कहा जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कि कोई कंपनी उधार पे ज्यादा है और खुद के पास उसकी इक्विटी कम है, तो इसका मतलब वो बैंक अच्छी मानी जाएगी, वो बैंक है वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी कि खराब। खराब मानी जाएगी, बेकार हाँ, बेकार है वो, गंदा गंदा गंदा। गंदा। तो बेसिकली ये क्या, वो ओवर लिवरेज बोरोवर। लास्ट है जॉम्बी लेंडिंग। जॉम्बी लेंडिंग का मतलब क्या है, कई बार क्या करते हैं ना कि जो जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, कमजोर कमजोर बैंक होते हैं, वो सब ना सब प्राइम या ओवर लिवरेज्ड बोरोवर्स को लोन दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कोई आरआरबी है, ठीक है, छोटी छोटी आरआरबीज हैं, क्यूट क्यूट सी, उसमें क्या होगा, उन लोग को अपना लोन तो देना है, उन्हें तो अपना फंक्शनिंग करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो लोन दे देंगे किसको, सब प्राइम बोरोवर्स को, ठीक है। तो ये होता है कि जब कमजोर बैंक, छोटी छोटी कमजोर कमजोर बैंक जो होती है, वो नए नए लोन दे दे अगर सब प्राइम बोरोवर्स को या फिर ओवर लिवरेज बोरोवर को, तो उसे कहेंगे जॉम्बी लैंडिंग। भाई तुमने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, ये तो जॉम्बी की तरह बन के आएंगे ये लोग, ना पैसा चुकाएंगे और साथ में तुम्हारा पैसा बर्बाद भी कर देंगे, ना तुम्हें मूल मिलेगा ना सूद, तो छोड़ ही दो वो चीज है, ठीक है। तो ये समझ आ गया टाइप्स ऑफ बोरोवर सबको, ये से समझ आ गया। दूसरी तीसरी की सर आवाज। मेरा नेटवर्क, मेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा, पता नहीं वाईफाई में क्या हो गया। तो मैं देख लूंगा, थोड़ी बहुत समय पता चला, लेकिन थोड़ी बहुत बीच बीच में गायब हो जा रही है। ओहो, आप लोग को तो आवाज आ रही है ना, दोनों बहनों को, यस सर, बहुत सही। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आते हैं बैड बैंक के ऊपर। बैड बैंक बेसिकली क्या होता है कि जिसका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे बैड बैंक। इसे आप पढ़ लेना क्या है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। जो बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, एनपीए मुझे कौन एक्सप्लेन करे, विद्यानंद आप एक्सप्लेन करो एनपीए क्या है, व्हाट इज एनपीए। कल मैंने चीख सर चीख करके ये बताया था। हाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, हाँ ठीक है, जो मतलब जिसको जो जिससे मतलब वो क्या बोलते हैं उस वो मतलब जमा रखती है जो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग आप। एसेट वो हुआ कि यदि कोई लोन बैंक ने दे रखा है किंतु संभावना नहीं है कि लोन को चुकाएगा, तो उसे कहा जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब 2 महीने 3 महीने हो गए, उसका चुका ईएमआई कोई नहीं भर रहा है ना, तो उसे कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो होती है नॉन एनपीए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एनबीएफआईज पे, जो मैं आपको कह रहा था एनबीएफसी वगैरह हम देखेंगे। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नॉन बैंकिंग है, जिनकी जो कि बैंक नहीं माने जाते, ठीक है। तो एनबीएफसी जो है ये कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। देखो, अब आपको बार 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 पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013, तो ये दो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये चीज छप जाना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 1956 आपने सुन रखा है और कंपनीज एक्ट 2013 आपने सुन रखा है। तो जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड होंगे वो सब के सब कहाँ पे होंगे, कंपनीज एक्ट के ही तहत रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था आपको, पता नहीं कितना याद है नहीं है, सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का मैंने बता रखा है, पता नहीं तान्या थी कि नहीं, आई डोंट नो, पर साक्षी और विद्यानंद तो थे। तो ये क्या है, सेक्शन 8 क्या है, याद है किसी को, साक्षी याद है आपको? सर रिपीट कर दीजिए। जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या आपको याद है कि मैंने एक्सप्लेन किया था ये क्या है? ध्यान नहीं है? ठीक देखो, एक्सप्लेन तो किया था क्या? याद नहीं है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो, रिवाइज करो, रिवाइज करो जितना हो सके, रिवाइज करो, बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। हाँ विद्यानंद, आपकी हमें शक्ल नजर आ रही है बंदरों वाली। विद्यानंद ने ये करके क्या दिखाना चाहा, कि वो बहुत स्मार्ट है? सर पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो जा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा था मेरा नेटवर्क। मुझे अभी पता चला कि मेरा कैमरा ऑन हो गया।
ओके, कोई इशू नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। मैं वाईफाई देख रहा था उसमें, फिर देखा डायरेक्ट देख किया तो वीडियो ऑन है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आए अभी एनबीएफसी पे। एनबीएफसी में हम एनबीएफसी से थोड़ा हटके हम देख रहे हैं सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो कभी भी ना, अगर सपोज कि आपको कोई ऐसी चीज रजिस्टर करनी है जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर अगर मान लो आपको कोई ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना है, जैसे आपने सुना होगा ना ये ट्रस्ट है, जैसे आप कई बार क्या होता है कि आई डोनेशन का ट्रस्ट होता है, या फिर सपोज कि कई सारे बाबा लोगों का होता है ट्रस्ट कि आप इस ट्रस्ट में पैसा जमा कर दो, ये हमारे पास पैसा नहीं है, ये ट्रस्ट का पैसा, आपने सुना होगा ट्रस्ट का पैसा। तो जो ट्रस्ट है वो कहाँ पे रजिस्टर होता है, वो भी कंपनीज एक्ट 2013 में ही रजिस्टर होता है, 1956 में भी होता था लेकिन 2013 का काफी फेमस है, जिसमें कि सेक्शन 8 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये चीज आप ना दिमाग में रख लो, गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। हाँ, तो 2013 जो है, 2013 का सेक्शन 8, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किस किस चीज के लिए, ट्रस्ट के लिए है, या फिर अगर आपको और कोई ऐसे प्रकार के काम है जो कि प्रॉपर कोई कंपनी ना हो, ठीक है, तो वो चीज आपको कहलाएगी क्या, सेक्शन 8 की, वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब जनरली उसमें होते हैं। क्लियर है, बोलो सेक्शन 8 क्लियर है आपका, यस सर, क्लियर। अब याद रहेगा। यस सर, मैं यूट्यूब पे देख लूंगा सर। यह अलग ही इसका चल रहा है, यूट्यूब पे देख लूंगा। पता नहीं बीच बीच में गायब हो जा रहा है, ये लास्ट में पता है, ये मतलब समझ आया, ये आवाज आ रही है, अब बीच में क्या बोल रहे हैं एक बार गायब होकर के बताएंगे। दोबारा से रिकनेक्ट करो, मे बी नहीं बीच बीच में ये वाईफाई पता नहीं ऐसा हो रहा, मैं वाईफाई बंद करके फिर से चालू करके आता हूँ और अपना पर्सनल है, फिर से यूज करो, ज्वाइन नहीं ज्यादा टाइम करता। नहीं है, बच जाएगा इंटरनेट, कोई टेंशन नहीं है। रिचार्ज नहीं है सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी को मैं तो करवा नहीं दूंगा रिचार्ज, ठीक है, वाईफाई है तो वैसे भी जरूरत भी नहीं है। ओके, एनबीएफआई जो है ना, ये 3 प्रकार के इसमें दे रखे हैं, जैसे कि प्राइमरी डीलर्स हो गया, फिर एआईएफआई हो गया, और फिर एनबीएफसी हो गया। ठीक है, तो ऑल एआईएफआई क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे। उसके 4 एग्जाम्पल है, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी और एनएचपी। ये मैं आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा सारा, और ये इसलिए कहा था क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो एआईएफआई को हम सबसे पहले देखिए, उसके बाद फिर हम लोग एनबीएफसी को देखेंगे कि एनबीएफसी क्या है। ठीक है, बेसिकली जो भी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हमें देखना है, जो कि बैंकिंग का काम प्रॉपरली बैंकिंग नहीं है, ठीक है, उनका कोई दूसरा दूसरा काम है, तो किसका क्या काम है हम लोग को वो देखना है। जैसे कि एक्सिम बैंक, एक्सिम से क्या समझ आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, ऐसी नाबार्ड है, ऐसी सिडबी, और लास्ट में एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग के लिए। ठीक है, देखते हैं फटाफट, देखो क्या है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1982 में स्टैब्लिश की गई। ठीक है, 1982 में, आपको डेट याद नहीं रहेगा, कोशिश करना। मेरे लिए काम कौन कर सकता है कि हम जितने भी अभी तक पढ़ रहे हैं बैंक वगैरह सब, उन सब को एक क्रोनोलॉजी में लगा करके दे दे कि पहले ये आया इस ईयर में, उसके बाद ये आया इस ईयर में, ये काम कौन कर सकता है मेरे लिए। आई आई कैन डू। कैन, ओके, यू शुड डू, ये क्रोनोलॉजी में लगा लो ताकि आपको भी क्लियर हो, क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा पहले ये आया, फिर ये आया, ये आया, ये आया, तो सारा मतलब आपको याद रखने में आसानी होगी, और फिर उसका कोई ट्रिक बना के उसे याद कर लेंगे कि इस टाइम पे ये आया। ठीक है, तो 1982 में ये एक्सिम बैंक आता है। ठीक है, विद्यानंद आ जाइए। ऑलराइट, तो क्या है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूशन है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडियन गवर्नमेंट की, यानी कि पूरी तरीके से इसे इंडियन गवर्नमेंट इसे ओन करती है, इसका मतलब इसका मालिक कौन है, भारत सरकार। ठीक है, एक्सिम बैंक का मालिक कौन, तो भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार की सब्सिडरी है ये। ऑलराइट, ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यूज करती है, अब्रॉड के लिए यही सब चीज है इसमें। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, बेसिकली क्या क्या चीज करती है एक्सिम बैंक, तो ये बायर्स क्रेडिट देती है। सपोज अब आपको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ठीक है, हमने देखा था एक्सपोर्ट को कौन बढ़ावा दे रहा था, किसकी कंपनी थी एक्सपोर्ट की, साक्षी की कंपनी थी, उस दिन हम लोगों ने देखा था, साक्षी एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो नहीं, साक्षी ज्वेलर्स थी, ठीक है, छाया आ जाए नहीं है। ऑलराइट, मान लो आज विद्यानंद को हम लोग दे देते हैं कि विद्यानंद जो है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर खरीदने वाले सपोज कि तान्या है, ठीक है, तान्या के पास उसके पास 3 ऑप्शन है खरीदने के लिए।
एक है विद्यानंद का सामान खरीदे, एक है मेरा सामान खरीदे, एक है साक्षी का सामान खरीदे, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि तान्या किसका सामान खरीदेगी, जो सामान इसे सस्ता लगेगा, जो सामान का क्वालिटी अच्छा लगेगा, दोनों पैमाने पे जो अच्छा लगेगा वही तान्या खरीदेगी, ठीक है। किंतु यदि मान लो सपोज मैंने एक यहाँ पे पॉलिसी लेकर के आया कि यदि आप मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको बायर्स क्रेडिट दूंगा, यानी कि आप देखते हो कि जब आप फोन पे वगैरह यूज करते हो, जीपे वगैरह यूज करते हो, तो आपको कुछ क्रेडिट मिलता है जिससे कि आप बाद में पैसा अपना बना सकते हो, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो चीज आपने जैसे यहाँ तो फ्लिपकार्ट में कॉइन्स मिलता है। फ्लिपकार्ट में कॉइन्स मिलता है डेफिनेटली, तो ये क्या वो क्रेडिट देना, तो बायर्स क्रेडिट कि आपको क्रेडिट दे रहा हूं मैं कि आप बाद में अगर कुछ खरीदोगे ना तो आपको कुछ पैसा कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप विद्यानंद से खरीदोगे कि मुझसे खरीदोगे कि साक्षी से खरीदोगे, बताओ तान्या। ऐसा आपसे क्योंकि आप क्रेडिट दे रहे हैं, गुड, और अगर मैं क्रेडिट नहीं देता तो तो फिर जो जो क्वालिटी अच्छी दे, जो भी क्वालिटी अच्छा होगा उसके बेसिस पे मतलब भेदभाव आपकी दे देते हैं। क्वालिटी पे नहीं गई, पैसे पे चली गई। खाली टांग खींचने का काम करो तुम, ठीक है। तो ये चीज है, उसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग बेसिकली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इंडियन कंपनीज को लोन देने का काम, ठीक है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का काम होता है। फिर एक टर्म है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया है क्या लाइन ऑफ क्रेडिट फर्स्ट या सेकंड क्लास में किया होगा, अगर किया होगा तो। साक्षी विद्यानंद याद है आप लोग को? ध्यान नहीं, इसे एक बार बताइए तो। देखो क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे याद आ गया। साक्षी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, याद है आपको लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बताओ। साक्षी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? कोई नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ। देखो मैंने ये समझाया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैंने जब बहुत डिटेल में समझाया था उस टाइम पे बताया था कि सपोज कोई इंडिया किसी देश को लोन देती है, ठीक है, वो क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट अगर देती है तो इसके चक्कर में क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट सपोज हम लोगों ने श्रीलंका को दिया, हम लोगों ने देखा था श्रीलंका का एग्जाम्पल, हम लोगों ने श्रीलंका को दिया क्या लाइन ऑफ क्रेडिट। तो अब इसमें क्या मतलब होता है कि हम जिस चीज के लिए लोन देंगे श्रीलंका उसी चीज में वो पैसे को खर्च करेगी, पहला फीचर, ठीक है। दूसरा यस सर, फीचर, हाँ ये समझाया था। याद आया ना, और क्या बताया था फीचर, फिर बताओ अब याद आया तो। और फीचर क्या थे, वो याद नहीं है, अब सुनो पर। तो श्रीलंका को सपोज हम लोग दिया, श्रीलंका ने कहा कि मुझे अपना ना बंदरगाह बनवाना है, पोर्ट सब बनवाना है, तो इसलिए मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं दे रहा हूँ, आप ये पैसा रखो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देता हूँ। तो सेकंड फीचर है बहुत ही कम इंटरेस्ट का लोन होता है ये, ठीक है। तीसरा क्या चीज है, कम इंटरेस्ट पे होता है तो भारत सरकार क्यों देगी, मैंने ये समझाया था क्यों देगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमें वो पैसा घूम करके हमारे पास ही आता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं आपको जो सामान खरीदना होगा आप वो हमारे देश से ही खरीदोगे, ठीक है। तो ये भी चीज है, सपोज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना है तो सीमेंट आप हमारी कंपनी से खरीदोगे, ठीक है, बालू आप हमारी कंपनी से खरीदोगे, ईंट हमारी कंपनी से, सरिया हमारी कंपनी से, जितने भी सामान है वो सबका सब आप हमारी कंपनी से खरीदोगे। तो अल्टीमेट क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ही जनरेट हुआ, पैसा हमारे ही देश में वापस आ गया, तो इसलिए हम लोग उन्हें दे देते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, ठीक है। अच्छा उनको एक और फायदा क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट में, कि वो एक बार में जितना पैसा निकालेंगे ना उतने पे ही उन्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। मतलब सपोज मैंने उन्हें 1,000 करोड़ का सपोज मैंने दे दिया उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट, 1 KCR का हमने उन्हें दे दिया लाइन ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या है, अगर सपोज आज की डेट में श्रीलंका को केवल 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो 500 करोड़ ही विड्रॉ करे, कोई इशू नहीं है, 500 करोड़ ही विड्रॉ करे, उन्हें 500 करोड़ पे ही देना पड़ेगा, बाकी उनका अकाउंट में 500 करोड़ पड़ा हुआ रहेगा, वो जब चाहे उसे निकाल सकते हैं, जब जैसे जैसे करके निकाल, मान लो बाद में इन्हें फिर 50 करोड़ निकालना हुआ तो बाकी फिर 50 करोड़ पे लगना शुरू होगा इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब जितना यूज करेंगे उतने पे ही लगेगा बाकियों पे नहीं लगेगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको, साक्षी याद आ गया? यस बट ये सब तो नहीं बताया था सर उतना। बताया था, दोबारा जाके वीडियो देखो, बहुत अच्छे तरीके से इससे भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सर वो तो डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट लास्ट वाला जो पॉइंट नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, अब सुन लो, ठीक है, पर जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बताया होगा, ठीक है।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उसे खुद से भी पढ़ो जाकर के, सेल्फ स्टडी करो, बिना सेल्फ स्टडी के काम नहीं चलेगा। गूगल पे जाके पढ़ो, किताब है किताब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, क्योंकि मेरे पॉइंट मैं उतना नहीं बता, मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाती है, तो वो चीज आपको खुद से देखना होता है। तो बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट ये है, तो एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट देने का भी काम करती है। ठीक है तानिया, आपको क्लियर हो गया ना लाइन ऑफ क्रेडिट? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। उसका भी क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। कई बार क्या होता है ना, ओवरसीज कंपनीज को भी देते हैं। ओवरसीज कंपनी का क्या मतलब होता है, विदेशी कंपनी को, मतलब बाहर जो अपनी कंपनी काम कर रही है उस ओवरसीज, ठीक है, तो उसे भी देती है। फिर प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट भी, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी ध्यान देती है। ठीक है, मतलब बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल सा पैसा देना कंपनीज को, ठीक है, ताकि बाहर जाकर के आप अपना कंपनी वगैरह सेटअप करो, वहां पे जाके हमारे देश का नाम रोशन करो, इन सब के लिए देती है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विस ऑफर करती है, मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस, मतलब मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए उसकी एडवाइजरी सर्विस भी ऐसे देती है, रिसर्च और एनालिसिस भी करती है। रिसर्च एनालिसिस क्या करेगी, क्या इसमें रिस्क है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, उसका भी क्या, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस, कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए उसके लिए सर्विस देती है, बेसिकली सर्विस देने का भी काम करती है। मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो अब जैसे विदर्न को एक्सपोर्ट करना है, तो आप ये पूरा पहले एडवाइजर हो गए एक्सिम बैंक से कि मैं आखिर क्या करूं जो कि ये मुझसे, तान्या मुझसे खरीदे सामान, तो आप एडवाइजरी लोगे जा करके, क्योंकि तो तान्या से तो आपकी बन नहीं रही, ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो ये चीज है। ठीक है, तो आप ये एडवाइजरी लोगे। हाँ, उसके बाद क्या है, कंसेशनल फाइनेंस सिस्टम स्कीम। ठीक है, बेसिकली सस्ते रेट पे लोन देना, यही चीज है और कुछ नहीं है, सस्ते रेट पे लोन देना। आते हैं नाबार्ड पे, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार ये पढ़ के जाना पड़ेगा। नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि आरआरबी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नाबार्ड भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था आरआरबी को पैसा कहाँ से मिलता है, तो नाबार्ड से पैसा मिलता है, नाबार्ड पैसे देती है, भारत सरकार पैसे देती है, राज्य सरकार पैसे देती है, अलग अलग जगह से पैसे उसे मिलते हैं, और भी कई जगहों पर। नाबार्ड जो है, देखो एक चीज क्या है, नाबार्ड को बनाया किसके लिए गया है, ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड कर सके उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए बनाया गया। तो ये जितने भी ऐसे होंगे उन सबको ये पैसा प्रोवाइड करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करेगी, जैसे आरआरबी हो गया, एसएफबी वगैरह हो गया, उनको ये पैसे देती है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, 1982 में इसे भी स्टेब्लिश किया गया है, और ये फुल्ली ओन गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, इसका मतलब भारत सरकार ने इसे पूरी तरीके से ओन कर रखा है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ना, इस सबका सब या तो आरबीआई का है, नहीं तो भारत सरकार का है। अभी तक ऐसा कुछ एक मिला था जिसमें कि कुछ परसेंट जो था, किसका था, किसका वो था कि 35%, 50%, 15%, ऐसा किसी का था ना, याद है, ओन बाय यस सर, डिफरेंट, किसका था वो? उसमें था ये 35%, 15%, एक आरआरबी सेकेंड। का 50%, क्या विद्यानंद? सर नहीं, मैं बता रहा था 15%, 35 और 50 ऐसे किसका, किस था। कंपनी के लिए था? ध्यान में नहीं, ध्यान में नहीं, नोट्स को पलटाओ, एक्टिव लर्निंग करो, नोट्स पटाओ फटाफट, अगर अभी देख लोगे तो फिर बाद में नहीं भूलोगे, और अगर अभी नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, मैं बता दूंगा तो भूल जाओगे, हालांकि मैं बता चुका हूँ अभी फिर से दोबारा से, बट स्टिल खुद से चेक करो। सर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक या आरआरबी? सर आरआरबी का तो नाबार्ड ही करती है, और उसका अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई होता है। अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई है, ठीक है, नाबार्ड उसे फंडिंग प्रोवाइड करी है, बट ओन कौन करती है आरआरबी को, ओन कौन करती है? मैं अच्छा, ओन में जैसे, अच्छा ठीक है, वो ओन ही तो यूनियन कह रहा हूँ ना, स्टेट, 55, 50%, 35%, 15%। यूनियन स्टेट और अदर यूनियन स्टेट स्टेकहोल्डर्स होते हैं उसमें। तो कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर? अदर में तो कोई बैंक हो सकती है, और आपने बताया था 15% स्टेट का होता है, 50% यूनियन का, और बाद बाकी अदर थर्टी फाइव स्टेकहोल्डर, परसेंट किसका होता है, 35% किसका होता है, अदर स्टेकहोल्डर्स, जो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है? आपने गूगल पे देख के बता दिया अंटरसेंट, कुछ भी नहीं सर, मुझे, मैंने गूगल नहीं किया, मैंने दूसरा याद आ रहा था वो। याद आ था, तो मैंने तो ऐसा नहीं बताया था। एक सेकेंड सर, विद्यानंद,
आपने चेक किया आपने नोट्स में? सर एक सेकंड मैं अभी चेक करती हूँ। मैं विद्यानंद से कह रहा हूँ, आप चेक करो अपना। विद्यानंद नहीं लिखा हुआ है सर, बाबू का करिए तुम है? मैं जो चीज लिखता हूँ वो पूछते ही नहीं है, जो पूछते हैं वो लिखा हुआ ही नहीं रहता, यही नहीं समझ में आता। बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल। क्या करें आप, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कल भी स्टार मार्क करवाते, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये लिखा हुआ ही नहीं। गूगल करो, गूगल करो, तुम गूगल करो। देखो मैं तो बता चुका हूँ, मैं बता दूंगा दोबारा, लेकिन फिर अगर एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे तो दिमाग से दोबारा से निकल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद से सर्च करो। साक्षी आप तो थी नहीं कल क्लास में, तो आपसे तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मुझे, है ना साक्षी? सर स्पॉन्सर बैंक स्पॉन्सर बैंक, एग्जैक्टली, मैंने बताया था इज द कि करेक्ट वर्ड, स्पॉन्सर बैंक। हाँ, मैंने बताया था कि आरआरबी जो है उसे फंडिंग प्रोवाइड करती है नाबार्ड, और भी बाकी सब लोग करते हैं, केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है, एक उसमें से नाबार्ड भी है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड ही करती है, सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड नहीं करती, बाकी सब भी करते हैं, बट आरआरबी इज ओन्ड बाई स्टेट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्पॉन्सर बैंक, जिसमें कि शेयर किसका कितना है, जो केंद्र सरकार है उसका 50% शेयर है, जो राज्य सरकार है उसका 15% शेयर है। सही कहा मैंने, राज्य सरकार का 15% है। फिर ये लोग सब, राज्य सरकार का 15% है कि स्पॉन्सर बैंक का 15% है? इतना सन्नाटा क्यों है? क्या करना है, यहीं पे रुकना है? बोलो कुछ ना, बोला कुछ ना सर मेरा बोला। माइक सर म्यूट मुझे था, लगा कि क्या मेरा सर माइक म्यूट है क्या? मेरा माइक म्यूट था, मुझे लगा मैं इतनी देर से एक्सटेंड करे जा रही हूँ, मेरा आवाज ही नहीं गया। नहीं, बोलो बोलो बोलो। सर यूनियन गवर्नमेंट का 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, स्पॉन्सर बैंक का 35% है। एग्जैक्टली, तो अब इसे याद रखें कि भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका शेयर कितना है, ठीक है? और ये आरआरबी है जिसे कि जो फुल्ली ओन नहीं है अभी तक, जो हम लोगों ने पढ़ा, बाकी सबके सब अभी तक मोर और लेस फुल्ली ओन थी, या तो प्राइवेट के द्वारा या तो केंद्र सरकार के द्वारा, ये फुल्ली ओन थी या तो आरबीआई के द्वारा। तो ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड भी फुल्ली ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नाबार्ड जो है ना ये अपने अंडर बनाती है आरआईडीएफ, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, फिर नोट कर लो विद्यान, फिर कहोगे कि मेरे नोट्स में नहीं है। नाबार्ड के अंदर है आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ये होता क्या है, देखो मैंने आपको कहा था कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है, ठीक है? अभी अभी तानिया ने थोड़ी देर पहले बताया था कि कितनी करनी होती है, विद्यानंद आप बताओ कितनी करनी होती है, कितनी उन्हें प्राइवेट सेक्टर, सॉरी प्राइवेट मैंने भी बोल दिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन्हें कितना परसेंट करना होता है? कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था और अभी तानिया ने भी कुछ देर पहले बोला, क्या किसे सर? मैंने पूछा? मैं पूछ रहा हूं, सर मैं नोट करने में इधर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है ये कितना परसेंट करना होता है एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को? कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आज तान्या ने भी आते जाते बताया था इसे। चलो साक्षी आप बताओ। 40% 40%। ये करते तो अब क्या होता है ना कि वो 40% जो उसे यूज करना है, तो कई बार क्या होता है कि बैंक वगैरह सब कर नहीं पाते उतना यूटिलाइज, ठीक है? क्योंकि तो बैंकों के पास पैसे लोग आते नहीं है, या बैंक अपने किसी और रीजन से भी नहीं कर पाते प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो जो पैसा बच जाता है ना वो पैसा आ जाता है किसके पास, नाबार्ड के पास, ठीक है? ताकि नाबार्ड करे। तो नाबार्ड ने इस्टेब्लिश कर रखा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड,
उस फंड में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का जो पैसा है, जो उसकी कुछ नहीं कर पाते, सपोज 40% में से 35% कर दिए, 5% पैसा बचा रह गया, तो वो सारा पैसा किस में आ जाता है, आरआईडीएफ में, ठीक है। तो नाबार्ड उसे ऑपरेट करती है। अब ये जो है ये पैसा देती है बाकी नीचे जगहों पे रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आरआईडीएफ ये है, तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था कि अगर सपोज ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ना कर पाए तो क्या होगा बैंकों के साथ, तो ये होगा कि उन्हें अपना पैसा तब आरआईडीएफ को देना पड़ेगा, और फिर वो अपना देख लेगी कैसे क्या करना है। सर, एक और बार रिपीट कीजिए, एक और बार आपने जो बोला। अगर सपोज शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को 40% देना है, लेकिन यदि वो 35% दे पाई, 5% नहीं दे पाई, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि आखिर सपोज यदि वो नहीं दे पाती है तो आखिर उसका होगा क्या, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो सिंपल सा एक्शन ये लिया जाएगा कि उसका बचा हुआ पैसा जो वो नहीं दे पाई है पीएसएल के थ्रू, वो 5% हो, 10% हो, 2% हो, जितना भी हो, वो ट्रांसफर हो जाएगा आरआईडीएफ को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, और उस फंड से फिर आगे फंड किया जाएगा किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रूरल एरियाज में, और वो ऑपरेट होती है नाबार्ड के द्वारा। ये मैंने बोला, क्लियर है? ये सर क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई अगर वो नहीं हो पाया तो क्या, अगर वो नहीं कर पाई 40% तो क्या, तो उस केस में ये आ जाएगा आपके इस सामने सीन में, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्या हमारा नाबार्ड है। नाबार्ड नाबार्ड ना बहुत सारी काम करती है, अलग अलग प्रकार के, ट्राइबल डेवलपमेंट के, फार्म इनोवेशन के, ठीक है, पानी को बचाने के, अलग अलग काम ये सारे के सारे करती है, आप समझ सकते हो ये सब चीज रूरल एरिया को प्रॉपर डेवलपमेंट करने का काम करती है। लेकिन एक खास बात है कि कभी भी ग्रांट डायरेक्टली नहीं देती रूरल हाउस होल्ड को। इसका मतलब क्या है, ग्रांट का एक मतलब क्या होता है, देखो ग्रांट और लोन में कोई डिफरेंस वैसे भी होता है। लोन होता है उधारी पे, कर्ज पे पैसा देना, और जो ग्रांट होता है दान। जैसे कि आज यूएसए या फ्रांस जो है वो पाकिस्तान को कर रहे हैं, आपने देखा होगा अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो, तो दे रहे हैं पाकिस्तान को ग्रांट, सुना है? क्या आप लोगों ने सुना है कि पाकिस्तान को ग्रांट मिल रहा है यूएसए फ्रांस सबके द्वारा? यस, मिलता है वो उसको। तो वही चीज क्या है, वो ग्रांट है, उसको पैसा वापस चुकाना नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये ग्रांट नहीं देती एनबीएफ, वो नाबार्ड जो है, ये मत समझ लेना कि ये क्या देती है, ये ग्रांट देती है, ये ग्रांट नहीं देती, एक चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और चीज क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी डायरेक्ट लोन भी नहीं देती है। अब बोलो आपको ये क्या है, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कि लोन नहीं देती, तो फिर करती क्या है ये, कैसे करती है ये रूरल, मतलब ये फंड को, प्रोजेक्ट सब, ये प्रोजेक्ट को फंड कैसे करती है फिर, जब ये लोन देती ही नहीं है तो, बोलो, या तो मैं अभी गलत बोल रहा हूं, क्या मैं कौन सी बात गलत बोल रहा हूं बताओ। मैं कौन सी बात गलत बोल रहा हूं, नाबार्ड जो है वो इनडायरेक्ट डायरेक्टली लोन देती है या नहीं देती है? लोन सी देती है वो। इनडायरेक्ट लोन्स कैसे फिर देती है, इनडायरेक्ट लोन कैसे देती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, मुझे समझाओ जरा। मुझे खेती करनी है, मुझे खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना है, मुझे लोन चाहिए, क्या मुझे नाबार्ड देगी लोन, नहीं, क्यों नहीं देगी, और फिर नहीं देगी तो? बैंक्स के वो लोन्स तो हमको बैंक के थ्रू ही मिलते हैं हाँ वो, लेकिन नाबार्ड शायद दोबारा बैंक्स में वो करेगी तो फिर बैंक के थ्रू हम लोग को मिलेगा। एग्जैक्टली, बेसिकली डायरेक्ट लोन नहीं देते कि आरआरबी वगैरह को पैसा दे देते हैं कि रखो आप, रखो आप पैसा दे देना, ठीक है। तो और बाकी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है उनको देती है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक के भी पास हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से पैसा आता है कि नहीं, नाबार्ड से। तो ये फंड करती है इन सब चीजों को, ठीक है, और वो लोग फिर हमें अल्टीमेटली पैसा देते हैं। तो नाबार्ड हमें डायरेक्टली पैसा नहीं देती कभी भी, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा नाबार्ड, ये इसकी इंपॉर्टेंट सारी बात हो गई। उसके बाद फिर कई सारे होते हैं, हाँ, किस किस को ये देती है, देखो ये यहाँ पे लिख रखा है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितने उन्हें देती है, आरआरबीज को देती है, कॉमर्शियल बैंक को भी देती है, ठीक है, और जो अगर कोई मान लो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है उन्हें भी देती है, ठीक है। तो ये चीज है, इसका काम क्या है, प्रमोशन डेवलपमेंट और रिफाइनेंसिंग, ठीक है, सिंपल सा ये चीज है। लोन स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने का काम करती है कई बार, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में असिस्ट करती है, अगर मान लो कि भारत सरकार ने कोई सोचा कि पॉलिसी लेकर के आए किसके लिए, गांव के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उन्हें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ही मदद करती है, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप देख लेना, ठीक है।
नाबार्ड का ना पहले ऑथराइज्ड कैपिटल 5,000 करोड़ था, 30,000 करोड़ कर दिया गया ये अमेंडमेंट के थ्रू। 2017 में अमेंडमेंट आया था, आपको पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें एक खास बात क्या है कि पहले यहाँ पर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके उनके लिए रूल था कि कम से कम 51% शेयर होल्डिंग नाबार्ड में इनकी होनी चाहिए, यानी कि आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मिला करके 51% होनी चाहिए। ऐसा पहले प्रावधान था, किंतु जो नया बिल आया है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हो गया मस्ट कि एटलीस्ट 51% जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रखे। आरबीआई चाहे तो रख सकती है, किंतु ये पहले क्या था, आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के 51% था। अब क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही पूरा का पूरा 51% होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख लो ना कि आज बीजेपी गवर्नमेंट में है, लेकिन क्या बीजेपी ही है? नहीं, वो एनडीए है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी प्लस अलायंसेस जो है। तो बीजेपी की सारी सीटें खुद की नहीं है, 273 सीट बीजेपी की है और बाकी सीट 303 में से किसकी है, वो उसके अलाइज की है, उसके साथ वालों की है। तो बेसिकली वही चीज है कि पहले यहाँ पे आरबीआई के साथ मिलकर करता था, तो समझ लो वो है एनडीए, और बीजेपी जो है वो कौन है, वो सपोज भारत सरकार, ऐसे ऐसे याद रखने के लिए कर लो, ये चीज है। ऑल राइट, ये क्या है, ये 20 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट में खर्चा करती है एमएसएमई सेक्टर में, आपके मशीनरी और प्लांट्स के सेक्टर में 20 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट लोन आपको मिलता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो आपको 10 करोड़ तक का मिलेगा, एंटरप्राइजेस सबको, जो बड़े बड़े कंपनीज है उन्हें, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी सब। और अगर सर्विस सेक्टर में हो तो 5 करोड़ तक का लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो वही है, ज्यादा कुछ खास नहीं, ये सब अब देख लेना क्या क्या चीज करती है। डायरेक्ट लेंडिंग टू कोऑपरेटिव बैंक, हाँ एक इसमें इम्पोर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ना, वो जो इसको मिलता है वो डिजाइन किया है नाबार्ड ने। आपने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम सुना? कितने लोगों ने सुना है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सुना सुना है। है? यस सर, सुनो। यस ठीक, सर, बताओ क्या होता है। जैसे किसानों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, सच कर रहे, वो नहीं हाँ क्या बोला? सर, जो मतलब नहीं, वो जो बोलो जैसे बोलो, किसान को जो मिलता है वो कुछ लिमिट चीज रहती है कि उसी चीज को वो उसी दुकान से कुछ खरीद सकती है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हो खेती के लिए, वो शायद वो एग्जैक्टली, ये बताना नहीं सही सुना। बोला। ठीक है, तो बेसिकली उसकी कुछ लिमिट होती है, लगभग 50,000 से 1,50,000 के बीच में होती है उनकी लिमिट, और उससे ज्यादा का उसका लिमिट नहीं होता, तो अनलिमिटेड पैसा नहीं निकाल सकते। और बाकी इसके और फीचर्स समय आप इसके बारे में एक बार सर्च करना कि क्या है आखिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, और मुझे फिर कल बताना। अच्छा, मैंने जब बोला था उस दिन वर्ल्ड बैंक पढ़ के आओ, IMF पढ़ के आओ, तो पढ़ के आए थे आप लोग? यस अच्छा सर, अच्छा तभी तो आज पूछा। वर्ल्ड बैंक जैसे ही आया तो याद आ गया कि पढ़ के ठीक आने है, बोले थे, वैसा मुझे ये कंसेप्ट साक्षी था पढ़े हो ऐसा आप? कुछ। यस सर, इसके बाद बड़ी प्यारी है, साक्षी के बाद बड़ी प्यारी है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को यूज करना मार्केटिंग इनिशिएटिव में, बेसिकली ये नॉर्मल आपको ना वन वर्ड आपको पढ़ लेना है कि किस किस सेक्टर में, सबका सेम काम है, सेम काम। खाली इसमें दो चीज आपको याद रखना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटाइज करने का काम क्या था, ई शक्ति के थ्रू, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, और एक आपको ध्यान रखना है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, ये दो टर्म आपको याद रखना है। बाकी तो सबका सा आप नॉर्मली कुछ भी लिख के आ जाओ, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को देना है, ट्राइबल डेवलपमेंट करना है, कोऑपरेटिव बैंक को देना है, ठीक है, इरिगेशन के लिए देना है, ट्रैक्टर के लिए देना है, खेती के लिए देना है, अलग अलग चीजों के लिए देना है, आप इसमें सीधा लिख दो, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए देना है, ये सब लिख दो। दो चीज आपको देखना है, ई शक्ति जो कि SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके लिए डिजिटाइज करने का काम किया था ई शक्ति ने, जिसे कि फंड किया था, जिसे कि किसने किया था, काम किया था नाबार्ड ने। और एक है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये भी किसके द्वारा किया गया है, ये ही किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। तो ये दो चीज आपको स्पेशल ध्यान रखना, अदरवाइज तो सबका सब नॉर्मल ही है, सब कुछ गोल गोल घुमा घुमा के लिख दो। इसके साथ चैलेंज आते हैं कुछ, जैसे कि ना इनका फाइनेंसिंग का कॉस्ट बढ़ गया है, जैसे कि यहाँ पे 80% के राउंड जो है ना, ये इसका कॉस्ट पड़ जाता है, मतलब कि 100 रुपया कमाने के लिए इसे 80 रुपया खर्च करना पड़ता है, बात यह है, ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। और खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ना इसको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ढंग से दे पा रही है, और साथ में इंसर्जेंसी भी होती रहती है। अच्छा बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी वगैरह क्यों होती रहती है, सुना है कभी?
सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सुन नहीं पाया। नॉर्थ ईस्ट के जो सातों अपनी है बहने, सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उसमें इंसर्जेंसी सब क्यों होती रहती है आए दिन? क्या प्रॉब्लम है? सुना है इसे? हाँ, वहां ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंसी तो ट्राइबल ग्रुप्स है तो क्या इंसर्जेंसी करेंगे वो लोग? नहीं सर, वो इंसर्जेंसी रेडियस मीन्स होता है होता क्या सर? इंसर्जेंसी होता क्या है? बेसिकली बार बार वहां पे लड़ाई चलता रहता है, विद्रोह चलता रहता है, सेपरेटहुड की बात चल रही होती है कि हमें अलग चाहिए, अलग देश चाहिए, बेसिकली हथियार, आर्म्ड रिबिलियन कह लो कि मतलब हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट को हटाने का काम करते हैं, वो बेसिकली इंसर्जेंसी है। क्यों होता वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। है? लेफ्ट आउट फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? आप उन्हें चाइनीज चाइनीज बोलते हो इसलिए? यस सर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप उन्हें चाइनीज चाइनीज ना बोलो, ठीक है? वो आपके इंडियन तो ही है। वो कॉलेज में जैसे आते नहीं हैं, तो फिर बच्चे सब चाइनीज चाइनीज बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो नहीं बोलना चाहिए। आप लोग एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वो हमारे इंडियन ही है। आप लोग एटलीस्ट ना करो, बाकी लोग करते हैं उन्हें भी मना करो, तो एटलीस्ट आपसे ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप उन्हें चाइनीज नहीं बोलोगे आगे से, वादा करो नहीं बोलोगे आगे से कभी चाइनीज। कोरियन क्या बोली? भी बोल देते हैं बीटीएस, मतलब ये सब चीजें बोल देते हैं कोरियन बीटीएस। अब बताओ, देखो अगर मान लो ना वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब तब आप बोलो तो कोई बात नहीं। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो लोग ना अपने सर्कल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर उनको देखा जाए तो वो लोग खुद ही ना इंटरमिक्स होने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो लेफ्ट आउट ज्यादा फील करते हैं। क्योंकि हमने देखा है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाले, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा मिक्स होने की कोशिश करते हैं, मतलब वो लोग फील नहीं करते। देखो साउथ इंडिया पैदा हो सकता था, पर ऐसा नहीं है, वो लोग खुद से ही इंटरमिक्स होने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप में ही रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो इस तरीके से फील करते हैं कि उनको अलग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, मतलब देखो समस्या है ये सब डेफिनेटली अपने आप में, और इसका कोई सोल्यूशन एज सच मतलब दिखता नहीं है। उसमें वही है कि देखो, अब जैसे मान लो अगर लड़की की शादी होती है, लड़की जाती है अपने ससुराल, वहां पे लड़की का फर्ज बनता है कि वो सबके साथ बात करे आ करके, या बाकियों का फर्ज बनता है, ननद का, देवर का, सास का, ससुर का, कि वो लोग सब उसे कंफर्टेबल फील करवाए, बताओ, वो सब कंफर्टेबल फील कराए है ना? तो क्योंकि वो तो बाहर नहीं से आई हुई है। अब अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है यहाँ पे पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए, तो वो ऐसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है। वो लोग सब यूपी वाला, बिहार वाला नहीं है कि अपने शौक में रह रहा है, ठीक है, अपने टशन में है, नहीं, वो लोग सब अपने आप में इंफीरियर फील करते हैं। तो किसका फर्ज बनता है उन्हें कंफर्टेबल फील करवाने का? उनका या आपका? सर, बट साउथ वाले भी तो आते हैं, तो वो क्यों नहीं है अनकंफर्टेबल फील करते हैं? साउथ से भी तो बहुत सारे आते हैं, साउथ के बहुत सारे मतलब सबको अच्छे मतलब मिक्स मतलब मिल के बात करते हैं, और वो अलग बेंच पे ही बैठेंगे ओके, सुनो, नॉर्थ ईस्ट वाले। मैं बताता हूँ रीजन है। साउथ वाले जो है, साउथ वाले, एक तो उनका और आपका कल्चर काफी हद तक सेम है, ठीक है? मैक्सिमम उसमें आपको हिंदू मुस्लिम में मिलेंगे, जो आपको नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? दूसरा चीज क्या है, साउथ वाले काफी ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। लिटरेसी रेट केरला की देखो सबसे ज्यादा है, ठीक है? तमिलनाडु की डेवलपमेंट देखो कितनी ज्यादा है। वो लोग आ करके ना आपको झाड़ सकता है, आपको डांट सकता है, अरे तुम बिहारी लोग हो, बिहारी लोग करते क्या हो, तुम बिजनेस करने नहीं आता, खाली आ जाते हो बकवास करने के लिए। वो आपके ऊपर चढ़ सकते हैं कि तुम्हारे नाम पे तुम डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकते, हम देखो हम इतने हैं। उनके पास शान झाड़ने के लिए कुछ है। वो किसी बात करो, नॉर्मल बात करो, मंदिर की बात करोगे, वो लोग कहेंगे अरे तुम नॉर्थ इंडियन वाले, तुम्हारे पास तो मंदिर ही नहीं है पुराने पुराने, हमारे देखो हजारों साल पुराने मंदिर आज भी है, आ करके देखो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, इतने सुंदर सुंदर मंदिर है। तुम हमें बोलोगे, हम तुमसे कहीं आगे हैं। उनके पास ना अपनी शान झाड़ने के लिए कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा वो लोग शान झाड़ते हैं, मैं कह रहा हूं उनके पास कॉन्फिडेंस होने के लिए कुछ चीज है। अगर किसी के पास कुछ होगा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, तो वो क्यों नहीं किसी के साथ मिक्स करेगा? नॉर्थ ईस्ट वालों के पास उस चीज की कमी है, वो अभी तक मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाए हैं, तो वो लोग फिर लेफ्ट आउट फील करेंगे ही करेंगे। अच्छा, आप सिंपल सी देखो ना, जहां पे हरियाणवी ग्रुप है, आप उनके साथ इंटरमिक्स कर पाते हो अच्छे से, हरियाणवी लोग के साथ? ये सर सबसे ज्यादा दोस्त अच्छा, बाकी लोग सब कर पाते हैं, बिहारी सब, बाकी सब कर पाते हैं? सर नहीं हो पाता, क्योंकि वो सर नहीं इतना हो पाता है एग्जैक्टली, नहीं हो सर। अब पाता। बिहार के नाम लेते ना तो चलता, बिहार की मतलब कि बिहारी से कोई करना चाहते हैं तो चलता, लेकिन और सब कोई सही है।
बिहारी से कोई मतलब जोड़ना नहीं चाहता, मतलब कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, मतलब सोचते हैं कि बिहारी मीन्स एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने, बिहारियों ने, हम लोगों ने, बिहार वालों ने या पूर्वांचल यूपी वालों ने भी कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं रखा है, हमारे पास कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। आज अगर गुजराती आएगा तो कहेगा अरे भाई पूरे देश की अर्थव्यवस्था मैं चलाता हूँ, अंबानी अडानी चलाता है, ठीक है हम सब बिजनेस कम्युनिटी है, इतना हम टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम बिहारी लोग क्या कहेंगे, यूपी वाले क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे मिर्जापुर है ये हम लोग कहेंगे, हम लोग यहाँ पे क्राइम होता है हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे बिहार इतना इलिटरेट राज्य है ये कहेंगे हम। सर, हमारे पास ताजमहल है। सर आप लोग के पास, चलो यूपी वालों के पास ताजमहल है ठीक है, एक चीज है, पर यूपी में क्राइम कितना ज्यादा होता है। क्राइम तो हर राजनीति भी क्राइम है, तो हर जगह होता है, दिल्ली बहुत में सारे भी। लीडर्स अपने यहाँ यूपी से निकले हैं। डेफिनेटली देखो इसलिए मुलायम कह रहा हूँ, सिंह है हमारे यहाँ यूपी देखो, मेन यूपी पॉलिटिक्स। विद्यानंद देखो, यूपी वाले के पास शान देखो निकल करके आ रही है, ये लोग यूपी वाले हैं, और हम बिहारी के पास क्या है शान के लिए, ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर बिहारी कहीं बहुत पे कुछ जाए है शांति, तो आप उसे बोलते नहीं हो ना, नहीं इन्होंने पट से बोला ताजमहल है पता है हमारे। सर, जैसे बिहार की मतलब यही कि बिहारी से दोस्ती नहीं रखना, उससे दूर रहना है, घर से यही सिखा के दूसरे स्टेट वाले को भेजा जाता है। एग्जैक्टली तो ऐसी सिचुएशन क्यों है ये बताओ ना, सिचुएशन ऐसी क्यों है, वो ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं उनके एंड पे गलती है लेकिन हमारे एंड से भी तो कुछ गलती होगी। होगी तब तो ऐसा बना हुआ है। देखो जैसे सिंपल सी बात हरियाणवी से क्यों आप बोले, उन लोग लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा मतलब ये रहते हैं, कुछ है, बात में तुरंत लड़ने लगेंगे, तो इसीलिए देखो वही चीज है, अपना अपना होता है डिफरेंस, और हम लोग जहां पे कमजोर फील करते हैं हम वहां पे खुद से नहीं मिल पाते हैं, हमें इंफीरियर फील होता है उनसे मिलने में। जैसे बिहारी जो है, बिहारी लोग सब जनरली क्या होता है कि ये लोग बड़े शाय होते हैं, हम लोग ना बड़े सीधे साधे होते हैं, बिहारी लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, हम लोग किसी की बात में आसानी से आ जाते हैं, कोई हमें कहेगा कि ऐसा कर लो तो हम कहेंगे हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा मत को तो हम कहेंगे ठीक है नहीं करेंगे, हम लोग रूल अबाइडिंग होते हैं। लेकिन फिर यहीं पे साथ में बिहारी लोग के साथ समस्या क्या होती है बहुत सारी, कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर रखा होता, बिजनेस हमारे इधर नहीं है, हम मैक्सिमम मजदूर लोग सब देखो माइग्रेंट लेबर्स जितने हैं वो मैक्सिमम आपके ईस्टर्न यूपी और बिहार के हैं, है कि नहीं है, तो इन सब वजह से ऐसा होता है। हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हमारे कंट्रोल में है, हम लोग वर्ल्ड बैंक तक जा रखते हैं, हम लोग हर जगह पे हमारे लोग सब मिल जाएंगे आपको, हमारे लोग सब यूएन में मिल जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में मिल जाएंगे, बट हम लोग उस चीज को शो नहीं कर पाते, तो यदि हम शो करने लग जाएंगे तो करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न के पास वो भी नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहे हो ना उनके पास वो भी नहीं है शान झाड़ने के लिए। हम कह सकते हैं हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, हमने पूरे भारत के ऊपर शासन किया है, हम कह सकते हैं अशोक ने पूरा भारत को यूनाइट किया था सबसे पहले, हमारे पास है कहने के लिए, बोलो। हम कह सकते हैं जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे उसके बाद फिर, और वो नहीं थी अहिल्या थी राम की अहिल्या, उसके बाद फिर इतने सारे ऋषि मुनि जो मिथिला क्षेत्र है बिहार का वो तपोभूमि है, ऋषि सब यहाँ पे हैं, हमारे पास शान झाड़ने के लिए है, हम झाड़ सकते हैं शान। हम कह सकते हैं हमारे यहाँ सीता माँ का जन्म हुआ था, है हमारे पास शान झाड़ने के लिए। नॉर्थ ईस्ट वाले क्या कहेंगे, वो अपने आप में इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें कंफर्टेबल फील करवाएं। हम जैसे आप कह रहे हो ना हरियाणवियों के ऊपर दोष दे रहे हो, एक तो आप भी उसे जनरलाइज करो, बट ठीक है कोई नहीं, आपको यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप उनके साथ बात बात करने का प्रयास करो, समझ आया। यस सर। तभी तो ज्यादा दोस्त है। तभी तो जा रहा तो कुछ है, ठीक नहीं, हाँ कुछ पूछना है, नहीं सर। ठीक है। बेसिकली अगर आप दोस्ती नहीं भी कर पाते हो उनके ही वजह से कि वो नहीं इंटरमिंगल होना चाहते, तब भी आप उन्हें कोरियन जापानीज चाइनीज मत कहो, आपके इंडियन ही है, और उससे उन्हें और ज्यादा बुरा फील होगा। क्योंकि अगर मान लो देखो, अगर आप ना मुझे कहोगे अनपढ़ बेवकूफ, तो मुझे उससे बुरा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट, ठीक है मैं अनपढ़ नहीं हूँ, आप मुझे कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विद्यानंद को बुड़बक कहता हूँ उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बुड़बक नहीं है, लेकिन अगर वो बुड़बक होता हो तब मैं उसे बुड़बक बुड़बक बार बार कहता तो उसे बुरा फील होता, है कि नहीं है। ये सही एग्जाम्पल है। इसलिए जो जो चीज होता है ना हमें उसे वो चीज नहीं कहना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं है, आप मोटे को मोटा कहोगे उसे बुरा लगेगा, और आप मुझे कहो मोटा मुझे बुरा फील नहीं होगा, मैं आपको कह दूं कि अरे ये तो सुखड्डी है आपको फील नहीं होगा, अगर आप पतले हो गए तो, आप लंबे हो गए लंबे को लंबू कहो बहुत ज्यादा लंबा है 8 फीट का है तो उसे बुरा फील होगा, हाँ नॉर्मल 6 फीट का है तो उसे तो प्राउड फील होगा, पर ज्यादा लंबा है तो उसे बुरा फील होगा, और छोटे को छोटा कहो तो बुरा फील होगा।
वो बात होती है। ठीक है, थोड़ा ज्ञान हो गया आज, क्योंकि मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग जो है ये प्रॉपर तरीके से वहां पे हम इंक्लूजन नहीं कर पाते, फाइनेंशियल इंक्लूजन वहां पे भी दिक्कत होती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये चीज है। RIFD मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हो गया। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, बेसिकली इरिगेशन के लिए लॉन्ग टर्म फंड दिया गया था, आप इसे देख लेना, 20,000 करोड़ का उसमें फंडिंग दिया गया था ताकि इरिगेशन को सुधारा जा सके। तो वो चीज है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। एग्जिम बैंक और नाबार्ड बैंक में इसमें आपस में वो दे रखा है टेबल, जरा सा देख लेते हैं। ये है एग्जिम बैंक किसके लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। नाबार्ड किसके लिए है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। एग्जिम बैंक को फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, और नाबार्ड जो है आज के समय में फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने इसमें क्या बताया था आपको, नाबार्ड में किसका कितना ओनरशिप है, कैसे क्या मैंने बताया था, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, यस, बोलो। आपने अभी बताया था कि देख उससे पहले जब वो क्या बोलते हैं पहले 51% शेयर होल्डिंग था उसमें आरबीआई और सेंट्रल दोनों था, फिर उसके बाद सेंट्रल का ही 51% कर दिया गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कह दिया गया है, 51% इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो, ठीक है तो ये सर। चीज ध्यान रखना। ये एक एक टर्म जो है आपको गलत दे देगा। पता है, एक छोटी सी मैं कहानी शेयर करता हूँ। मैं जब स्कूल में था ना, तो मुझे हमेशा, मैं कभी ना रट नहीं पाता था चीजों को, तो मेरी हमेशा से आदत थी मैं अपना आंसर खुद से बना के लिखता था। और केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स हमेशा सर कम दिया करते थे, मैं साइंस थी मेरे पास 11th 12th में, तो केमिस्ट्री में मार्क्स कम दिया करते थे। मैं एक दिन सर से पूछ लिया, सर मैं खुद से आंसर बना के लिखता हूँ तो सर आपको पसंद नहीं आता क्या, मैं खुद से लिखता हूँ, आप मेरे मार्क्स क्यों काट लेते हैं हमेशा। उस टाइम पे मुझे सर समझाता है, देखो जो तुम लिखते हो ना, 1 साल तक मेरी हिम्मत नहीं हुई थी पूछने की, 1 साल के बाद मैंने पूछा था 12th क्लास में जब आया था। तो सर ने कहा था, देखो जब तुम लिखते हो ना, तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो तुम खा जाते हो, जो चीज के बिना आपका अधूरा हो जाता है आंसर। यदि आप वो टर्म सब यूज करोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आप उन टर्म को लिख नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है आप खुद से बना के लिख रहे हो और आपको वो इंपॉर्टेंट चीज फील ही नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको या तो उस स्टेटमेंट को रट लो, और नहीं तो आप उसका एक एक चीज को बारीकी से समझ लो। तो उसके बाद से मैंने अपना फिर बना लिया कि भाई मैं इसे बारीकी से समझूंगा। तो जो नाबार्ड है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 50% जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए, किसके द्वारा, किसके पास उसका शेयर, वो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के पास। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन फिलहाल अभी कितना है, 100% है। ठीक है, सरकार चाहे तो इसे बेच सकती है, 60% पे आ सकती है, 70% पे आ सकती है, सरकार की मर्जी है। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, ये एग्जिम बैंक जो है ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करती है, क्रॉस बॉर्डर का ट्रेड इन्वेस्टमेंट का काम होता है, जबकि ये क्या है इसका, ये अपने देश में ही करती है। ठीक है, RIDF को ये ऑपरेट करती है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। आता है नेशनल हाउसिंग बैंक, क्या समझ आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घर बनाने के लिए लोन देने वाला काम है ना। NHB जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए, उसकी एपेक्स बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी है, जो कि 1988 में सेटअप की गई थी। एक्सिम बैंक और नाबार्ड कब सेटअप किया गया था, 1982 में, और ये कब किया गया, 1988 में, 6 साल बाद ये किया गया है। तो ये चीज है। ये क्या है कि ये NHB जो है रजिस्टर रेगुलेट करने का काम करती है, रजिस्टर करने का काम करती है, और जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उन सबको सुपरवाइज करते हैं। देखो कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कि आपको घर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बेसिकली आप नॉर्मल बैंक जाते हो वहां पे भी आपको लोन मिलता है, होम लोन, और भी बाकी कई सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कि आपको घर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो उन सबका सर्विलियंस का काम कौन करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि वैसे ये RBI के द्वारा ओन किया जाता है पूरी तरीके से, पहले किया जाता था, मतलब कि पहले ये RBI का था ये NHB, किंतु भारत सरकार ने 2019 में कहा ए सारा का सारा मुझे बेचो, तो RBI से गवर्नमेंट ने खरीद लिया। ठीक है, अब ये 100% है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहले ये किसकी थी NHB, ये थी RBI की, अब किसकी हो गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। अच्छा आपको एक चीज दिमाग में आ रहा है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI ये क्या चक्कर है, दोनों तो RBI भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, फिर ऐसा ये क्या है, ये ऐसा क्या करते हैं। आपको समझ आया मैंने क्या पूछा, ऐसा समझ आ रहा है, पर भाई मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग बार बार ही इधर उधर शेयर होल्डिंग, पहले ही पूरा ओन कर रही है फिर वो आधा कर रही, पूरा ले ले रहा है फिर वो आधा, ऐसे ऐसे चल रहा है। देखो यहाँ पे चलती है पावर स्ट्रगल, पावर की बात आती है। माना RBI जो है वो भी गवर्नमेंट की ही है,
माना आरबीआई कभी भी समाप्त की जा सकती है एक सिंपल सा बिल पास करके, ठीक है, एक प्रेसिडेंट के साइन से वो की जा सकती है एबॉलिश आरबीआई, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और आरबीआई के पास पावर भी बहुत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आरबीआई के पास ज्यादा पावर हो, और आरबीआई नहीं चाहती कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो, वो चाहती है हमारी पावर हमारे पास बनी रहे। तो ये पावर स्ट्रगल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नर का और जो चीफ मिनिस्टर है उसमें आपस में झगड़ा चलता रहता है, हमेशा पावर स्ट्रगल चलता रहता है। अब देखो दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और जो अपने वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों के बीच में आपस में कितना टसल चलता है, क्यों, पावर स्ट्रगल, किसको ज्यादा पावर होनी चाहिए, किसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई कुछ वर्डिक्ट देता है, कोई कुछ वर्डिक्ट देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, उसकी फैसला को पलटते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये अपना नया बिल पास कर देती है, अगर आपका इंटरफेरेंस को फॉलो करते होगे तो। एटलीस्ट ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे कितना सारा टसल चलता है, पावर स्ट्रगल चलता है, तो ये सबके साथ चलता है पावर स्ट्रगल, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ, गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का और भी लोग के साथ चलता है पावर स्ट्रगल। जैसे कि एक एग्जांपल और दो आप लोग, किसके साथ होता है पावर स्ट्रगल, बोलो 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 साक्षी। सर जुडिशरी का भी चलता है। एग्जैक्टली जुडिशरी का चलता है, मैं यही पूछना चाह रहा था। तो जो कोई भी पावर है ना, पावरफुल है, वो सबका आपस में पावरफुल वो चलता रहता है पावर स्ट्रगल, कि मैं ज्यादा कंट्रोल करूंगा तो मैं ज्यादा कंट्रोल करूंगा। तो ये सेम का सेम इसी वजह से आरबीआई के साथ भी इसका चलता रहता है, तो इसलिए कभी ये खरीद लेता है, कभी वो खरीद लेता है, कभी बेच देता है, यही काम रह गया इसका। तो इस पर ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पावर स्ट्रगल सिंपल और ठीक है। आते हैं सिडबी, सिडबी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। देखो अभी तक हम लोगों ने देखा खेती के लिए, गरीब लोग के लिए, गरीब गुरबा वर्ग के लिए, ठीक है, कमजोर लोग के लिए, गांव तक पहुंचे उसके लिए। अब आते हैं कि अगर कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो उसके लिए लॉन्च किया गया सिडबी 1990 में। यानी कि ये अपने जो वो था ना लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म, उससे पहले ही आ गया था ये सिडबी, ठीक है। तो सिडबी लॉन्च किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें भी शेयर होल्डिंग है, इसमें देखो अब सबको नंबर आपको याद नहीं होगा, खाली ये ध्यान रखो कि शेयर होल्डिंग इसमें अलग अलग लोग की अलग अलग है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एसबीआई की है, एलआईसी की है, नाबार्ड की है, और भी बाकी अलग अलग कंपनीज की है। बेसिकली सिडबी में सबने अपना पैसा डाल रखा है, ठीक है, भारत सरकार ने भी डाल रखा है, एसबीआई ने भी डाल रखा है, एलआईसी ने भी, नाबार्ड ने भी, सबने डाल रखा है, बाकी और भी अलग अलग कॉर्पोरेशन ने भी डाल रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इतने सारे लोग सब इंटरेस्टेड क्यों है सिडबी में, जो अपना अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं, इतना प्रेम है क्या इनको एमएसएमई सेक्टर से? बोलो बोलो विद्यानंद। सर पहले तो ये सीडीवी है क्या, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, ये तो हाँ, पता है, लेकिन ये इंडस्ट्री को आगे डेवलपमेंट वाला करने के लिए चीज बैंक स्टेब्लिश किया गया है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, यही इसका और कुछ नहीं है। दिस वन स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू आंसर माई क्वेश्चन। सर इंडिया इसमें मतलब वो सारे ये सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि कंपनी जो कोई भी कंपनी को ये लोन प्रोवाइड कराएगी तो उससे इंटरेस्ट वगैरह और क्या। हाँ लेकिन वो तो आरआरबी में भी होने चाहिए थे जुड़े हुए, चलो आरआरबी में तो फिर भी तीन है, लेकिन बाकी जगह भी होने चाहिए थे, एसएफबी में होने चाहिए थे, बाकी और जगहों में होना चाहिए था, ये इसमें सबके सब इंटरेस्ट क्यों ले रहे इतना सिडबी में, बाकी में तो इतने सारे नहीं है होल्डर, शेयर होल्डर, इसी में इतने क्यों है? तो जो इंडस्ट्री अभी सारा इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ रही है ना, तो लोग इंडस्ट्री को सर ठीक है जैसे पढ़ो। इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो हो गई, तो ये इनकी स्मॉल स्मॉल अपना ये ओपन कर देते हैं इंडस्ट्री, जैसे एलआईसी वगैरह, तो इनको ना लोन्स मिल जाते हैं इजीली। ठीक है बट विद्यानंद का ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री क्या आंसर, विद्यानंद का आंसर ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें ग्रोथ ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रोथ होगा मुश्किल है, जो नॉर्मल गरीब लोग को देने की बात आएगी तो उसमें कितना ग्रोथ होगा भाई, गरीब आदमी के पास तो ये चलता रहता है, चाकू हमेशा, छुरी हमेशा गर्दन पे ही लटकी रहती है कि ये पैसा को वापस ना करे, बैड लोन बन जाए, बैड बैंक बन जाए, किंतु यहाँ पे इंडस्ट्री में यदि पैसा लगाएगा तो इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये सिडबी में बहुत सारे लोग सब इंटरेस्टेड होते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, इसलिए सिडबी में सबके सब वो है, ठीक है।
तो ये चीज है। बेसिकली ये पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा और एक्टिव हो गया था, इन्हें कहा गया कि आप फाइनेंस करो अलग अलग चीजों में। देख लेते हैं एनएसबी और सिडबी में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करके दे रखा है। एनएसबी को कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी दे रखा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। होल्ड कौन करता है? वो हम लोगों ने देखा ये सारी चीज। तो यही सारी चीज है इसमें ना, एक उदय मित्रा डॉट इन नाम का एक वेबसाइट को ये चलाती है, ऑपरेट करती है सिडबी, जिसका ही काम है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन देना। ठीक है, जैसे कि मुद्रा लोन, जो हमने मुद्रा बैंक पढ़ा था ना, मुद्रा बैंक मुद्रा लोन वो ये देती है, सिडबी भी देती है मुद्रा लोन। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में पैसे लगाती है, स्टार्टअप इंडिया में पैसे लगाती है। तो ये सारी चीज है, ये वेबसाइट को सर्च करके देखना, उदय मित्रा डॉट इन। चलो सर्च कर ही लेते हैं आप लोग के सामने। बोलना दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? उदय मित्रा, अरे 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 ये क्या हो गया? सर ये उदय उद्यमी मित्र है, उद्यमी मित्र है कि उदय मित्र है? अच्छा, उद्यमी मित्र। वेबसाइट का ये जो नाम है ना, ये उदय मित्र है और अंदर ये उदयी उद्यमी मित्र है, दोनों चीज है। उद्यमी मित्र भी है और उदय मित्र भी है, दोनों अलग अलग वेबसाइट है। उदय मित्र आने वाला है ऐसा लिखा है, अभी तक इसके लॉन्च लिए नहीं हुआ तो ये। जो अभी अभी जो है वो तो उद्यमी मित्र ही है, मतलब उद्यमी मित्र ही है। अभी उद्यमी मित्र है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये नया लॉन्च करने वाले हैं उदय मित्र। देखो थोड़ा उद्यमी मित्र को ऐसी कुछ दिखती है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं देख सकते हम, हद है, लॉगिन करना पड़ेगा पहले। चलो कोई नहीं, बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ से हमें मिलता है क्या, सिडबी। देखो सिडबी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिडबी। तो ये हमें क्या देती है? हमें ये हमें लोन देती है, मुद्रा वगैरह लोन सब देती है, ये चीज है। ऑलराइट, हो गया ये। एनबीएफसी देखो, अब एनबीएफसी देख लो क्या है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में ये है इस्टेब्लिश की गई है, जो कि लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें कुछ खास बातें हैं वो हमें ध्यान रखना, एनबीएफसी को बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इसे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पैसे अपने नहीं लगाती। ठीक है, एग्रीकल्चर इन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डायरेक्टली नहीं लगाती पैसा, ये देती है दूसरे को पैसा एनबीएफसी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है इसका, ये बैंक का डेफिनेशन नहीं दिया, बेसिकली इसे बैंक नहीं माना जाता, ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो बैंक नहीं है ये, सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है वैसे। ठीक है, जैसे बैंक बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करती है, ये भी करती है, किंतु इसमें ना कुछ डिफरेंट है। जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं एनबीएफसी, जैसे कुछ होता है एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी। सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ज्यादा कोई नहीं जानते। एनबीएफसी में कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है जो कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और कुछ ऐसी होती है जो एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, कुछ जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देती है, और कुछ ऐसी होती है कि किसी और सेक्टर में लोन देती है। बेसिकली एनबीएफसी कई टाइप की होती है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, जो चीज एक्सेप्ट, जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर मान लो किसी का डिपॉजिट, वो क्या उसके ऊपर सीआरआर एसएलआर का वो लागू होगा? बोलो, अगर कोई एनबीएफसी है वो डिपॉजिट ले रही है उस पर होगा, अगर कोई नहीं ले रही तो क्या उस पर होगा सीआरआर एसएलआर का? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि वो ले ही नहीं रही, तो उसके ऊपर क्या इम्पोज करना? ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो जनरली क्या है कि एनबीएफसी को नहीं करना होता मेंटेन, लेकिन जो लेती है उसे कम से कम 15% मेंटेन करना होता है रिजर्व रेशो, ये चीज है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है, जनरली क्या होता है, बैंक जो है, बैंक पैसा अगर लेती है तो उस पैसे को कहाँ लगाती है, लोन पे देती है हमें। ठीक है, किंतु एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी के पास खास बात क्या है कि ये पैसा ये शेयर मार्केट में लगा सकती है, ये पैसा ये म्यूचुअल फंड में लगा सकती है। ठीक है, इसका मतलब यदि आप एनबीएफसी में जाकर के पैसा जमा करते हो, तो आपका पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लग रहा होगा, आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में लग रहा होगा। तो यदि ऐसा लग रहा होगा, तो आप एक बात बताओ, क्या सरकार इसके ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी पैसों का? मुझे नहीं तो नहीं लगता सर, करती है वो, छोड़ क्या क्योंकि उसमें करेगी, क्या करना चाहिए? नहीं करना नहीं, चाहिए, क्यों, सिंपल, घाटा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है उसमें शेयर एग्जैक्टली मार्केट में। मैं हाँ बोलो, वही बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में घाटा भी हो सकता है, तो इसमें फिर सरकार क्या करेगी इसमें? तो इसलिए ये जो है इसका, ये अनसिक्योर्ड है। जैसे मैंने वो कहा था कॉमर्शियल बैंक का, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, ये सिक्योर्ड होता है हमारा पैसा, ये बताओ कौन सिक्योर करता है, ये बताओ, और कितना कितना पैसा तक हमारा सिक्योर होता है, मैंने बताया था।
इसको डीआईसीजीसी एक्ट के थ्रू, मतलब वो उसको सिक्योर होता है हमारा पैसा, इसमें 5 लाख तो मिलता ही है मिनिमम, 5 लाख, 5 लाख मिनिमम नहीं, मतलब पांच लाख सरकार तक, को, अप टू मतलब फाइव लाख 5 लाख का वो अश्योरेंस देते पांच हैं। लाख तक के। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि एनबीएफसी और इसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखा कि क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ और दे रखा है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो है दोनों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हुआ है कॉमर्शियल बैंक का रजिस्ट्रेशन, और कंपनीज एक्ट के थ्रू हुआ है एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन। अच्छा और भी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि कंपनीज एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो कौन से बैंक थे जिनका कि कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था? AIFI, AIFI, ठीक है, शायद वो भी था क्या? लीड बैंक, लीड बैंक कंपनीज एक्ट के थ्रू था या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू था? लीड बैंक क्या था, चलो मुझे बताओ लीड बैंक क्या था? सर लीड बैंक तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए था, पर्टिकुलर सर्विस। लीड बैंक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए था। साक्षी अच्छे से एक्सप्लेन करना जरा। तो अच्छे से बता दो। तो वन सर्विस वन बैंक, वन सर्विस मतलब वन बैंक, बेस्ड ठीक ऑन है वन एरिया बेसिस पे जो भी बेस्ड सर, था। हाँ एग्जैक्टली, सर्विस एरिया बेसिस पे कि एक डिस्ट्रिक्ट को आप अच्छे से संभाल लो, वो चीज कौन था ठीक है, वन सर्विस वन बैंक ये चीज है। तो ये, किसके थ्रू आया था? किसके थ्रू, वन किसके थ्रू आया था? अच्छा, ये आया था, ये बताओ किसके थ्रू आया था, बताओ आप ही बताओ साक्षी। नहीं, गार्डविल कमेटी की रिकमेंडेशन। नहीं, ये उसके बैंकिंग रेगुलेशन इफेक्ट से। एक सेकेंड, क्या था? कंपनीज एक्ट के थ्रू, सुनो जो कोई बैंक होगा प्रॉपर वो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, और ये जो था ये लीड बैंक जो है ये आया था कंपनीज एक्ट के थ्रू, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू नहीं आया था। तो लीड बैंक और एनबीएफसी दो हम लोगों ने अभी देखा कंपनीज एक्ट के थ्रू आया था, और भी शायद कोई कंपनीज एक्ट के थ्रू आया था, देख लेना वो सब रिवाइज करते टाइम में, ये सब चीज नोट कर लेना, इन सब का आपने वो बना लेना है क्या। लोकल एरिया बैंक भी तो कंपनीज एग्जैक्टली एक्ट में। हाँ, लोकल एरिया बैंक भी कंपनीज एक्ट के थ्रू है, तो लोकल एरिया बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, और अभी हम लोगों ने देखा कौन सा, लीड बैंक, ये तीनों का तीनों जो है कहाँ से आया, कंपनीज एक्ट के थ्रू, ठीक है एक्ट के हाँ। थ्रू अच्छा इसका सुपरविजन कौन करेगा, एनबीएफसी का सुपरविजन, जैसे शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक का सुपरविजन करती है आरबीआई, तो एनबीएफसी का कौन करेगी सुपरविजन, इसके इसके साथ बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं। हाँ जैसे अगर मान लो शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, तो शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, आपको पता होगा है ना, तो सेबी ही अगर कोई बैंक, अगर कोई एनबीएफसी जो है अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, तो उसे कौन रेगुलेट करेगा, तो सेबी। सेबी, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वाले को सेबी रेगुलेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को कौन वो रेगुलेट करेगा, तो आईआरडीएआई, ठीक आईआरडीआई है, आईआरडीएआई का फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा? विद्यानंद आप नोट कर लो आईआरडीएआई का फुल फॉर्म, ताकि अगर मैं कल पूछूं तो आप बता सको, सर, मैं बताऊं, बता दो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ बेसिकली इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीएआई है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर इंश्योरेंस को कंपनी होगी तो उसे कौन रेगुलेट करेगा, आईआरडीएआई। अच्छा अगर मान लो पीएफआरडीए का नाम सुनो, पीएफआरडीए क्या यस सर, होती है वो, सो पेंशन रेगुलेटरी बॉडी होती है वो, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ तो अगर मान लो कोई एनबीएफसी अगर वो पेंशन के फील्ड में काम कर रही है, ठीक है, तो उसे रेगुलेट कौन करेगा, पीएफआरडीए, इसे भी नोट कर लो विद्यानंद, पेंशन फंड सर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक और पिछले वाला बता दीजिए सर, इंश्योरेंस डेवलप बताओ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परफेक्ट, और पेंशन वाले का क्या होगा, पेंशन वाले एनबीएफसी का पीएफआरडीए, पीएफआरडीए ठीक है, यानी 2014 कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंपल सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा तोप नहीं है, दो चीज है, इसमें क्या, इसमें क्या EFRDA में? पीएफआरडी में पेंशन वाला, पेंशन से रिलेटेड अगर कोई चीज होगा, पेंशन की चीज में अगर इन्वेस्ट करेगी या उसके उसके लिए करेगी, पेंशन से रिलेटेड फुल फॉर्म होगी सर, अगर, फुल फॉर्म, हाँ फुल फॉर्म फुल फॉर्म, यस। पीएफ का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड, और आरडीए का रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफ आरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
सर हो, अगर सपोज शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, उसने आपको लोन दिया है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपने उसे कोलेटरल जनरली दे रखा है, मान के चलो आपने कोलेटरल उसे दे रखा है, तो क्या वो रिकवरी कर सकती है आपके कोलेटरल को बेच करके? आपने अगर बिल्कुल डिफॉल्ट किया, आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया, आप ईएमआई अपनी नहीं चुका रहे, तो क्या वो आपसे रिकवर कर सकती है पैसा आपके कोलेटरल को गिरवी रख करके उसे बेच करके? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में आपने जो कोलेटरल जमा किया है तो वो क्या बेच सकती है, क्या उसका यूज कर सकती है अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो, अगर आप ईएमआई नहीं चुका रहे तो? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, कर सकती है. यस सर, यस यू आर ऑडिबल. ओके, कर सकती है। उसके लिए लेके आ गया सारफेसी एक्ट। देखो SARFAESI, सारफेसी एक्ट लेकर के आया गया ताकि लोन रिकवरी को आसान किया जा सके, लोन रिकवरी आसान हो जाए। ठीक है, क्या है वो सारफेसी एक्ट? सारफेसी एक्ट, ये आखिर सारफेसी एक्ट है क्या? कोई मुझे कोई मतलब सुने हो कन्या या साक्षी, सुना है पहले? हाँ, सारफेसी एक्ट सुना है कभी? सारफेसी क्या है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सारफेसी जो है, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मुझे भी नाम याद नहीं रहता। देखो इसका फुल फॉर्म इतना बड़ा है, बहुत बड़ा फुल फॉर्म है। बेसिकली इसको ये ध्यान रखो कि सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट का होता है। मैं समझाता हूँ क्या होता है। सपोज एक ना, अभी आपको मान लो, सपोज मैं हूं, आपको लोन दिया, ठीक है, मैंने आपको लोन दिया मैंने आपको, ठीक है, ये मैंने आपको लोन दे दिया। ये क्या है, इस लोन के ऊपर मेरे पर हमेशा खतरा बना रहेगा कि ये पता नहीं मुझे ये पैसा मुझे वापस करेगा कि नहीं करेगा, चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, कितना चुकाएगा, मेरे ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा। अगर अब मैं चाहूं कि इस लोन के ऊपर मैं अपना इंश्योरेंस करवा लूं, ठीक है, इंश्योरेंस मैं इसके ऊपर ले लूं, तो मैं चाहूंगा कि कोई मुझे इसके ऊपर इंश्योरेंस दे दे। इंश्योरेंस कंपनी होती है इंश्योरेंस देने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए लाया गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या लाया गया? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ध्यान से सुनना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेगी। इस कंपनी के थ्रू मैं अपना इंश्योरेंस लेता हूँ लोन का, ठीक है, ये है किसके थ्रू? सारफेसी एक्ट के अंदर में आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, सारफेसी एक्ट के थ्रू। अब क्या होता है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसके पास फुल पावर होती है कि आपने बैंक ने अगर सपोज आपको ये कर लिया है, सिक्योरिटी ले लिया है आपने इसके लिए, तो सपोज आपने डिफॉल्ट कर दिया, सपोज विद्यानंद ने पैसा देने से मना कर दिया, कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन विद्यानंद की मेरे पास गिरवी रखा हुआ है सामान सब। अब बैंक जो है, अगर वो जाएगा हर आदमी के पास कि भाई पैसा मेरा वापस कर दो, पैसा मेरा वापस कर दो, तो बैंक का वो काम नहीं है, वो हमेशा रिकवरी में नहीं लगा रह सकता। और वो बैड लोन हो भी चुका है तो अब उसे निकालने में भी, पैसा वापस लेने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कह देगा एआरसी को, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, ठीक है, कुछ पैसा इंटरेस्ट रेट काट करके मुझे बाकी पैसा दे दो, और आपको मैंने दे दिया, आपको जो करना है कर लो इसके साथ जाओ। तो इसको मिल गया खुला छूट, अब ये छुट्टा सांड की तरह आएगा आपके पास और यहाँ पे आपसे रिकवरी करने के लिए कहेगा, कहेगा पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, हाँ दे रहा है नहीं दे रहा, अभी मारू तो है, हाँ घड़ा घड़ा साड़ा बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे पैसा निकलवाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये है सारफेसी एक्ट, ठीक है। इसमें लोन रिकवरी की पावर जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई, काफी ज्यादा लोन रिकवरी के लिए काम किया गया है। तो सारफेसी एक्ट अगर पूछे किससे रिलेटेड है, तो लोन रिकवरी से, याद रहेगा, यस सर. ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी याद रहेगी, यस सर. काम याद रहेगा यस एसेट सर. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, ठीक है। तो अब जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, इनके पास सारफेसी एक्ट के तहत ये पावर है रिकवरी का, किंतु कुछ ही फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस बैंक है जिनके की पास पावर है सारफेसी पावर, अदरवाइज यहां पर वो चीज नहीं है, एनबीएफसी में वो चीज पावर नहीं मिलती है, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड है, मैंने आपको कहा ये अनसिक्योर्ड है, देने वाला भी अनसिक्योर्ड, लेने वाला भी अनसिक्योर्ड, सबके सब अनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज है।
इसमें गोल्ड लोन जो कंपनी है, अगर सपोज जैसे मुथूट फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस, सुना है आप लोगों ने नाम? यस मुथूट फाइनेंस जो है गोल्ड लोन देती है, वो क्या है, वो भी एनबीएफसी है, ठीक है। तो ये जो है ये अपना गोल्ड को ऑक्शन कर सकती है, सोने को ऑक्शन कर सकती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी कर सकती है घर को गिरवी रख, लेकिन बाकी और जो जितने भी आते हैं एनबीएफसी, उनके पास वो पावर नहीं है। क्यों नहीं है पावर? क्योंकि नॉर्मल गरीबों के लिए है, नॉर्मल अलग अलग चीजों के लिए है, ठीक है। तो इस वजह से उनके साथ करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से शायद अभी तक नहीं दे रखा है। अदरवाइज सोना जिसके पास है, घर जिसके पास है, उसका गिरवी रख के बेचो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें एनबीएफसी को तब स्टेब्लिश किया क्यों गया, जब ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से इतना दूर दूर तक ये कोई वो नहीं करता, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इससे कहीं ज्यादा एडवांस है, तो फिर इसका फायदा क्या है? कोई बोलना चाहेगा? तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के होते हुए एनबीएफसी की आवश्यकता क्या पड़ गई फिर? क्योंकि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो इससे कहीं अच्छा काम करता है, वहां पे सिक्योरिटी, यहाँ पे लोग अनसिक्योर्ड हैं, तो यहाँ पे लोग पैसा क्यों जमा करेंगे इस अनसिक्योर्ड एनवायरमेंट पे, क्यों जमा करेंगे लोग? अगर मैं आपको पूछूं क्या तान्या जो है आप पैसा जमा करना चाहोगे एनबीएफसी में, आपका अनसिक्योर्ड है पैसा, तो आप जमा करना चाहोगे बैंक में? काहे? यस करना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर है। लेकिन जैसे कि उसमें तो ठीक है सब चलता है, ये पर्टिकुलर जैसे कि हो गया पेंशन के लिए है, ये सब हाँ अलग अलग है, तो फिर ये ट्रस्ट है लोगों का, तभी ये इतना चल रहा है। क्योंकि सर ये मतलब पर्टिकुलर के लिए है तो रिलायबल भी है, ऐसा नहीं है किसी किसी के साथ ऐसा होता है अगर मान तो। लो कोलैप्स कर गया, मान लो यहाँ पे वो तो ऑब्वियस बात है कि हमारे तो कॉमर्शियल बैंक भी जनरली कोलैप्स नहीं करते, पर अगर इन केस कर जाते हैं तो आपके पास एक सिक्योरिटी होती है कि 5 लाख रुपए तक हमें वापस मिल जाएंगे। एनबीएफसी में आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, आपका ट्रस्ट क्यों है? बात यह है कि ट्रस्ट अगर है तो क्यों है? देखो ज्यादा इंटरेस्ट रहती होगी। एग्जैक्टली विद्यानंद बिल्कुल समझदार आदमी है, बहुत स्मार्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट यह ज्यादा देती है। देखो क्या कहते हैं इसे, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे आपको फायदा उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए जीवन में याद रखना कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हाई रिस्क पे खेलो, ठीक है। ज्यादा रिस्क लेना सीखो, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप डर जाओगे तो मर जाओगे, इसलिए आपको हाई रिस्क होगा तभी हाई गेन होगा। बिजनेस में जाने से आपको पैसा ज्यादा बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि आदमी रिस्क लेकर के बिजनेस में उतरता है, और जो उतरेगा ही नहीं वो तो यही सोचता रहेगा अरे बिजनेस में तो काफी रिस्क है, उसमें पैसा डूब जाता है, ये वो डूबता है लेकिन बनता भी खूब है, इसलिए बिजनेस जो है वो नौकरी से कहीं ज्यादा आगे है, ठीक है। तो इसलिए रिस्क लो। आज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, अपनी जवानी खपा रहे हो आप लोग सब, हाँ ये आपको गारंटी है कि यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगा? गारंटी तो नहीं है, आप अपनी तैयारी पूरी करोगे, एफर्ट्स पूरे डालोगे, पर फिर भी 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे बैठते हैं, 1 लाख बच्चे तो सीरियस भी होते होंगे ना, उसमें से 1 लाख बच्चों में से कितनों का सिलेक्शन हो जाता है? मुश्किल से 700-800 लोग का सिलेक्शन होता है, क्या बाकी लोग सब पढ़ने वाले नहीं होते? होते हैं। तो आप रिस्क लेते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए ना तो आपको बहुत बड़ी चीज हाथ लगने वाली है, हाई रिस्क है इसमें हाई गेन भी है, फिर तो हम रिस्क लेने से नहीं डरते, इसलिए तो जहां भी रिस्क ज्यादा होगा वहां पे हमें जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा, और जहां पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है ज्यादा वहां पे रिस्क भी नहीं होगा। आप जाओ प्राइवेट नौकरी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, आपको तुरंत मिल जाएगी जॉब। आज आप लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉय बैठने के लिए तैयार हो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल? बोलो आप में से कितने लोग तैयार हो अगर आपको 1 साल घर पर बैठ करके तैयारी करनी पड़े बिना नौकरी किए? तो 1 साल ही कर सकते हैं बिना नौकरी के। एक साल कर सकते हो ना? बस 1 साल ही। हाँ, लेकिन अगर मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, प्राइवेट नौकरी ढूंढना होता, तो क्या आप 1 साल के लिए वेट करते? नहीं, नहीं क्यों? सर, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, आपको वहां पे कोई रिस्क ही नहीं है, तो रिस्क नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में कोई गेन भी नहीं है बहुत ज्यादा, गेन आपको किसमें है? यूपीएससी में। आप 1 साल इसमें जम करके तैयारी कर दोगे, ठीक है, तो वो चीज है आपके पास, तो हाई रिस्क हाई गेन बहुत जरूरी चीज है पढ़ना। गाना कौन बजाया? ठीक है, इसमें खास बात है कि एफडीआई जो है ना, एफडीआई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में 74% तक अलाउड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है इसमें एफडीआई अलाउड है, आपको पता है कि फॉरेन बैंक भी आ सकती है इंडिया में, हम लोगों ने देखा था, तो कितना परसेंट शेयर होल्डिंग, कितना परसेंट एफडीआई हो सकता है? वो 74%, 74% तक अलाउड है प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इनमें उनका शेयर 75-74% तक होगा, उससे ज्यादा का
यहाँ पर आपका नहीं हो सकता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, 74% से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि एनबीएफसी में 100% अलाउड है, आप जितना मर्जी चाहो एफडीआई इसमें ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई प्रॉफिट मोटिव के लिए है, ज्यादा रिस्क है इसमें तो कोई टेंशन नहीं, आप आकर के जमा करो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। सीआरआर एसएलआर के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें होता ही होता है, उसमें किसी में होता है किसी में नहीं होता, अपना आरबीआई फिक्स करती रहती है, और इंश्योरेंस फैसिलिटी एनबीएफसी में नहीं होता, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। बोलो ये सब क्लियर हो गया, एनबीएफसी और ये सब, यस सर, ठीक है। इसमें ना कुछ नाम सब है, जैसे देख लो कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, जिसका की काम है एनबीएफसी, ये सब एनबीएफसी के टाइप है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिन कंपनी का काम है कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, जैसे कि टाटा में, बिरला में, रिलायंस में, या और बड़ी बड़ी कंपनीज में, ये सब इन्वेस्टमेंट करके, जिनका की मेन काम ही है इन्वेस्टमेंट, वो क्या कहलाएगी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी है, ठीक है। उसमें आपने पैसा जमा किया, आपके पैसे जमा करने को ये क्या है, इन्वेस्टमेंट में ही लगाएगी, किसी ना किसी बड़े बड़े कंपनी में पैसा अपना लगा देगी, तो ये चीज है, ठीक है। उस ऐसी अलग अलग प्रकार के हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, अब देखो जो मैंने आपको एआरसी कहा था ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये अपने आप में एक एनबीएफसी है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन एनबीएफसी की हेल्प लेती है किस चीज में, अपना लोन रिकवरी के लिए, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये एआरसी भी एनबीएफसी है। उसके बाद फिर अलग अलग कंपनीज है, गोल्ड लोन कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, मुद्रा है, फिनटेक कंपनीज है, तो ये सारी चीजें हैं, अलग 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 अलग, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, मैंने बता दिया, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर को, सेबी नॉर्मल है। अच्छा, रियल इन स्टेट वाला जो है, ठीक है, रियल इस्टेट वाला जो है उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसे ही कहा जाता है REIT और INVITs, ये थोड़ा ध्यान रखना आप चीज की, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, रीट और इनविट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दो नाम है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का कोशिश करना, रीट और इनविट, ऐसे आप याद रख लेना कि किससे रिलेटेड है, खाली आपको इतना भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। ये बेसिकली रियल इन्वेस्ट, ये रियल इस्टेट में पैसा अपना लगाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद वेंचर कैपिटल फंड भी होता है, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटल का आपने नाम सुना है, वीसी, क्या यस सर, होता है वीसी, सो वेंचर कैपिटल इसमें लाइक आई थिंक इसमें शायद दो से काफी लोग इसमें एक साथ, मुझे याद नहीं आ रहा ओके साक्षी आप बताओ, साक्षी, साक्षी का पेट दर्द होने लगा तो वो थोड़ी देर ठीक है, रेस्ट कर। ओके। देखो आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें बार बार वीसी की बात आती है कि देखो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, बेसिकली जो बड़े स्तर पे जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, वीसी, और वो जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड, उनका जो पैसा होता है वेंचर कैपिटल फंड। अब देखो इसके कई लेवल होते हैं, जिसकी पहला लेवल जो है वो आपका होता है एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, एंजल आता है कोई और वो आकर के इन्वेस्ट करता है इनिशियल लेवल पे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, एंजल इन्वेस्टर। वो क्या देता है, सीड फंडिंग देता है, सीड फंडिंग। देखो सब इनिशियल लेवल पे, तो अगर आप मान लो कंपनी को खोलना चाहते हो, आप किससे पैसा लोगे, आप अपने मम्मी पापा से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आप उनसे पैसा मांगने की कोशिश करोगे, नहीं तो आपने अगर कोई काम कर रखा है, सेविंग कर रखा है, तो सेविंग का कुछ पैसा होगा, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी थोड़ी सी चलने लगी तो आपको सीड फंडिंग की आवश्यकता होगी ताकि ग्रो कर पाए, तो सीड फंडिंग लोगे, फिर एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे, फिर जाओगे वीसीज के पास लास्ट में, जो कि आपको मोटा पैसा देंगे। आप सुनते हो ना कि फर्स्ट राउंड ऑफ वो चलता है, सेकंड राउंड चलता है, थर्ड राउंड चलता है, तो क्या है वो वीसीज आपको पैसा देती है, तो वो चीज है वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। तो जितना भी इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसे कौन गवर्न करती है, इसे सेबी गवर्न करती है, ये इतने जितने भी टाइप के एनबीएफसीज हैं ये सब, उन सबको सेबी गवर्न करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है सेबी, ठीक है। उस साथ में मैंने आपको बता दिया, जो आपका पेंशन वाला है वो पीएफआरडीए है, इंश्योरेंस वाला आईआरडीएआई है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसे आरबीआई रेगुलेट करती है, एनएचबी को आरबीआई रेगुलेट करती है, ये ध्यान रखना है एनएचबी। अब देखो कमाल की बात क्या है कि खरीद लिया किसने एनएचबी, एनएचबी किससे कंट्रोल में है, मिदानंद, एनएचपी किसके कंट्रोल में है, किसके द्वारा ओन्ड है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पहले ये आरबीआई के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे खरीद लिया, ठीक है, अपने पास कंट्रोल रखने के लिए, लेकिन इसका रेगुलेशन का काम पकड़ा दिया आरबीआई को कि भाई रेगुलेट तो आप ही करोगे भाई, हमें माथा बच्ची नहीं करनी, माथा बच्ची आप करो, माथा बच्ची का काम दे दिया आरबीआई को, और मालिकाना हक रखा अपने पास। वो चीज है कि मतलब वो कहता नहीं है कि यूज करना बिना किसी उसके कमिटमेंट के,
कि आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, खाली आपको फायदा कमाना है, वो चीज़ है, ठीक है। और ये सारा का सारा है, ये आप देख लेना, सब नॉर्मल चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब दे रखा है, कैटेगरीज सब दे रखा है, ये सब आपने देख लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, लोन कंपनी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, सबका सब नॉर्मल है, कुछ इसमें खास बचा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया है, ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, सब नॉर्मल है। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि वर्चुअल बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, सब आपको नाम से पता चल जाएगा कि मतलब जो वर्चुअली परफॉर्म करे वर्चुअल बैंकिंग, जो सोशल सेक्टर में अपना काम करे वो क्या है, सोशल बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारा नाम से आपको पता चल जाएगा। नैरो बैंकिंग, जिसका कि काम बहुत बड़ा ना हो, यूनिवर्सल बैंकिंग का अपोजिट है नैरो बैंकिंग, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग, मैंने आपको बताया था परसों की क्लास में, इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इस्लामिक बैंकिंग जो कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं देते, शरिया के अकॉर्डिंग वो कंप्लायंट होते हैं, तो अपने देश में शरिया का कानून चलता है, ठीक है, अपने देश में शरिया लागू है, चाहे पर्सनल लॉ हो चाहे ये हो, सब में शरिया चलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया आपका सारा कंप्लीट। बैंकिंग रिफॉर्म हम लोगों ने देख लिया था, नरसिम्हम कमेटी वगैरह सब, कि कैसे क्या है, और ये हो जाता है आपका कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रहने दे, साढ़े यस छह सर, बज गया है ना, ऑल राइट। तो सब बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय।